ओम शांति। श्रीमद् भगवद् गीता के दूसरे अध्याय में परमात्मा किस तरह का ज्ञान अर्जुन के विषाद को दूर करने के लिए देते हैं उसको हम समझेंगे, क्योंकि ये अध्याय एक प्रकार से संपूर्ण भगवद गीता का सार बताता है और साथ ही साथ एक रियलाइजेशन जो अर्जुन को कराते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के हर अध्याय योग है, विषाद योग से लेकर के दूसरा अध्याय सांख्य योग। सांख्य योग का मतलब है आत्मा की वास्तविकता का ज्ञान, आत्मा का बोध भगवान अर्जुन को कराते हैं। और उसके लिए जो बातें बताई, शायद आज के जीवन में, हमारे जीवन में जो संघर्ष चल रहा है या समाज के अंदर हर इंसान का जीवन के अंदर जो संघर्ष चल रहा है, उस संघर्ष के लिए भी आत्मा का ज्ञान कितना महत्व रखता है उस बात को समझेंगे, ताकि हम भी उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन अपने जीवन में कर सके, तो जीवन की कई उलझनें वैसे ही समाप्त हो जाती है। उलझन उत्पन्न ही तब होती है अज्ञानता से, और इसीलिए ज्ञान का प्रकाश प्राप्त करने से वो उलझन इवेपोरेट हो जाती है, गायब हो जाती है, और वो उलझन उलझन नहीं रहती है। तो उस बात को हम समझेंगे कि जहाँ सांख्य योग की बातें की भगवान ने, और आत्मा की वास्तविकता का परिचय देते हुए, आत्मा की शाश्वतता के बारे में बताते हुए भगवान जो अर्जुन को ज्ञान देते हैं, उसमें प्रथम श्लोक से लेकर दसवें श्लोक तक तो फिर भी अर्जुन की कायरता का ही विषय चलता रहता है, वो वर्णन करता है। ग्यारहवें श्लोक से लेकर तीसवें श्लोक तक सांख्य योग का विषय लिया। शरीर आत्मा का वस्त्र मात्र, आत्मा अनश्वर है। 31वें श्लोक से 38वें श्लोक तक स्वधर्म के अनुसार भी युद्ध करने की आवश्यकता बताई है। 39वें श्लोक से लेकर 53वें श्लोक तक कर्म योग का विषय लिया गया है, और 54वें श्लोक से लेकर 72वें श्लोक तक स्थिर बुद्धि पुरुष के लक्षण और उसकी महिमा बताई गई है। यहाँ एक बहुत सुंदर हम एक लिंक देखेंगे कि जीवन के अंदर आत्मा का ज्ञान, आत्मा का स्वधर्म का परिचय और उस स्वधर्म का एप्लीकेशन प्रैक्टिकल कर्म में, और जब प्रैक्टिकल कर्म में उसको अप्लाई करते हैं तो बुद्धि हमारी कैसे स्थिर हो जाती है, स्टेबल माइंड, स्टेबल इंटेलेक्ट वाले हम बन सकते हैं। और इस तरह से जब अर्जुन स्वयं को ईश्वर के आगे अपने विषाद को दूर करने का आग्रह करता है और कहता है कि हे प्रभु, अब आप ही मेरे इस दुख और विषाद को दूर करो, सरेंडर हो जाता है। भावार्थ ये कि जब तक हम भी अपने मन के अंदर अनेक क्वेश्चंस को खड़ा करते रहेंगे तो कभी कभी ईश्वर की जो प्रेरणाएं हैं उसको कैच नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वी आर ऑक्यूपाइड,
हम ऑक्यूपाइड है अपने ही विचारों में, तो ईश्वर जो कुछ कहना चाहते हैं, जो संकेत देना चाहते हैं, वो संकेत अगर देते भी है तो हम उसको रिसीव नहीं कर पाते हैं। इसलिए सरेंडर, अर्थात कि हमें अपने मन और बुद्धि को उस वक्त फुल स्टॉप लगाना बहुत आवश्यक है, और क्वेश्चंस को समाप्त करके जब हम सरेंडर करते हैं तो उस वक्त फिर भगवान टेक ओवर करता है। जब तक क्वेश्चंस करते रहते भगवान सुनते रहते हैं। इसीलिए दिखाया है, गॉड इज द बेस्ट लिसनर। जज को भी यही काम करना पड़ता है, दे आर ऑल्सो वेरी गुड लिसनर्स। लेकिन जब हम शांत करते हैं अपने मन को, तब भगवान फिर रास्ता दिखाना आरंभ करता है। ये अध्याय एक प्रकार से संपूर्ण भगवद गीता का सार प्रस्तुत करता है। इसके अंतर्गत अनेक विषय अत्यंत विस्तार पूर्वक विचार किया गया है, जैसे कर्म योग, ज्ञान योग, सांख्य योग, बुद्धि योग और आत्मा। लेकिन सभी प्राणियों में विद्यमान आत्मा की शाश्वत स्वरूप के ऊपर अधिक बल दिया गया है। और इस तरह से अगर देखा जाए तो जब सरेंडर हो गए, भावार्थ ये कि जब मनुष्य का मन भी थका होता है, हारा हुआ अपने आप में महसूस करता है, निर्णय नहीं ले पाते हैं, असमर्थ बुद्धि महसूस करते हैं, तो कभी कभी कई लोग डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। मन को सही दिशा में ले जाने की आवश्यक शक्ति का अभाव महसूस करते हैं। लेकिन आशा की किरण तभी नजर आती है जब मार्ग निर्देशन के लिए स्वयं ईश्वरीय बौद्धिक सत्ता रास्ता दर्शाती है। गॉड गाइड्स अस, हेल्प्स अस, गिव्स अस। और इसीलिए मन को शांत करना जरूरी, तभी हम उसको सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। साइलेंस इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन विद गॉड। मन को शांत करना जरूरी है। इसी तरह मनुष्य जीवन में भी मनुष्य के मन को भ्रमित करने वाले अनेक प्रश्न और उन प्रश्नों का सत्य ज्ञान जब मिलता है कि तुम ये देह नहीं आत्मा हो, कॉन्शियसनेस चेंज करता है। सबसे पहले परमात्मा, कि बॉडी कॉन्शियसनेस, फियर कॉन्शियसनेस, ईगो कॉन्शियसनेस से हमें अपने मन को सोल कॉन्शियसनेस में एस्टैब्लिश करने की आवश्यकता है। और इसीलिए भगवान ने यही ज्ञान सबसे पहले अर्जुन को दिया कि देह से आत्मा भिन्न सूक्ष्म शक्ति है। उसके बाद जैसे ही मन उसका शांत हो गया, तब सबसे पहले श्री कृष्ण 11वां 12वें श्लोक में ये बात बहुत स्पष्ट करते हैं और कहते हैं, हे अर्जुन, न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, तू नहीं था, अथवा ये राजे लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। माना यहां से कृष्ण अपने पुनर्जन्म की बातें कर रहे हैं कि बहुत जन्म से मैं भी था, तू भी था, और ये सब भी थे, और आगे भी मैं भी रहूंगा, तुम भी रहेंगे, और ये सब भी रहेंगे, अलग अलग स्वरूप में रहेंगे। यहां से कृष्ण अपने पुनर्जन्म की बातें कर रहे हैं अर्जुन के साथ। और चौथे अध्याय में जब भगवान कहते हैं, मैं अजन्मा, आई एम बियॉन्ड बर्थ एंड डेथ, अब ये दोनों श्लोक कॉन्ट्रोवर्शियल महसूस होते हैं। और इसीलिए लोगों ने जब ये महसूस किया कि कई श्लोक कॉन्ट्रोवर्शियल है गीता के अंदर, तो कंफ्यूज्ड हो गए कि आखिर ये सही है
पुनर्जन्म वाली बातें या अजन्म वाली बातें सही है। लेकिन आज हम आपको इस बात को स्पष्ट करते हैं, दोनों ही सही है। कैसे? क्योंकि ये दो व्यक्ति बात कर रहे हैं, एक नहीं है। ये श्लोक कहने वाले श्री कृष्ण है, जिसके बहुत पुनर्जन्म, क्योंकि एक बार जिसका इस संसार में जन्म होता है उसका मृत्यु भी निश्चित है, और इसीलिए श्री कृष्ण का जन्म भी दिखाया और मृत्यु भी दिखाते हैं। तो श्री कृष्ण के भी पुनर्जन्म दिखाए, लेकिन जब चौथे अध्याय में श्री कृष्ण के माध्यम से बोलने वाली शक्ति, वो भगवत शक्ति है फर्स्ट पर्सन में। इसीलिए संपूर्ण गीता के अंदर कहीं पर भी श्री कृष्ण वाच नहीं आया है, भगवान वाच आया है। क्योंकि श्री कृष्ण के माध्यम से अजन्मा वो शक्ति, परमात्मा शक्ति जो अवतरित होते हैं, इनकार्नेट्स, डिसेंड्स, और अवतरित होकर के वो कहते हैं मैं अजन्मा हूं, मुझे तुम इन चरम चक्षुओं से देख नहीं सकते हो। यहां बहुत स्पष्ट हो जाता है जब अर्जुन से ये कहा कि तुम मुझे इन चरम चक्षुओं से नहीं देख सकते। अब वहां पर अर्जुन श्री कृष्ण को तो देख ही रहा था, अर्जुन क्या सारे लोग देख रहे थे, लेकिन फिर भी जब भगवत शक्ति कहती है तुम मुझे इन चरम चक्षु से नहीं देख सकते हो, माना वो शक्ति बोलने वाली कोई और है जो परमात्मा शक्ति है। परमात्मा और दिव्य आत्मा में यही अंतर है, और इसीलिए यहां श्री कृष्ण द डिवाइन बीइंग ही स्पीक्स। श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे भी बहुत जन्म है, तेरे भी बहुत जन्म है, ये राजे लोगों के भी बहुत जन्म है, और आगे भी हम मिलते रहेंगे। लेकिन भगवत शक्ति ने कहा मैं एक ही बार जब जब धर्म की ग्लानि तभी आता हूं, मैं बार बार जन्म नहीं लेता, मैं अजन्मा हूं और अधर्म के समय पर ही अवतरित होता। इसलिए दोनों ही श्लोक सही है, लेकिन बोलने वाले अलग अलग पर्सनैलिटीज है, और इसीलिए जब मनुष्य ये बात नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि वो एक ही फिगर को देख रहे हैं, तब समझते हैं कि ये कंट्रोवर्सी क्यों है। लेकिन कंट्रोवर्सी नहीं है, क्योंकि दो पर्सनालिटीज बात कर रही है, जो धीरे धीरे समझ में आएगा जैसे जैसे हम गीता को आगे देखते जाएंगे। और उसके बाद भगवान आत्मा की शाश्वतता को लेकर के समझाते हैं बड़े सिंपल शब्दों के अंदर, और कहते हैं कि हे अर्जुन, जैसे देह में देहधारियों की बाल्यावस्था, यौवन और बुढ़ापा, ये तीन अवस्थाएं हैं, इसी प्रकार दूसरी देह की प्राप्ति भी एक परिवर्तित अवस्था है, उसमें आत्मा का नाश नहीं होता है। इतने सिंपल शब्द में ये बात कही कि आज एक बच्चा जैसे बड़ा होता है, यौवन अवस्था में जाता है, तो शोक नहीं करता है, खुशी से जाता है, खुशी होती है बचपन से युवा अवस्था में जाने की, युवा से बुढ़ापे की ओर जाता है तभी भी खुशी है क्योंकि अनुभवी हो गया। तो जब एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाते तो खुशी है, शोक नहीं है। फिर जब बुढ़ापे के बाद
दूसरी देह की प्राप्ति करता है तो वहां शोक क्यों है? वो भी एक परिवर्तित अवस्था है। आत्मा का नाश तो कहीं भी नहीं हुआ, एक सहज, क्योंकि आत्मा की जो पोटेंशियल है इतनी अथाशक्ति है, लेकिन अब इंद्रियां शिथिल हो गई है और इंद्रियां शिथिल होने के कारण वो उस पोटेंशियल को लाना चाहते हैं, कर नहीं पाते हैं, इसलिए उन्हें स्पेस चाहिए और ऐसा साधन चाहिए, इसलिए वो दूसरी देह की प्राप्ति करता है। तो वहां शोक क्यों है? एक लाइन के अंदर कितनी गहराई वाली बात समझा देते एक अर्जुन को, नहीं हम सब अर्जुनों को, कि ये खुशी है। और इसीलिए जब दूसरी देह की प्राप्ति करते हैं तो वहां पर उसको फील्ड भी मिलता है, टाइम भी मिलता है, और उस अनुभव को जो संस्कार के रूप में कैरीड फॉरवर्ड करता है उसको प्रकट करने का पुनः एक चांस मिल रहा है। तो वहां हम दुखी क्यों हो जाते हैं? उसके बाद युद्ध का विधि विधान बताते हैं कि ये जीवन रूपी संघर्ष का विधि विधान क्या है। बहुत सुंदर बात यहां कही हुई है भगवान ने, और भगवान कहते हैं सुख दुख, सर्दी गर्मी, मान अपमान को सहन करना एक भरतवंशी पर निर्भर करता है। यहां अर्जुन को हे भारत कह के संबोधित करते हैं भगवान, क्योंकि ये ज्ञान सभी भारतवासियों के लिए है, कोई एक अर्जुन के लिए नहीं था। और इसलिए कहा सुख दुख, सर्दी गर्मी, मान अपमान। सुख दुख मिलता है हमें साधनों से। आज हमारे पास साधन है, सुख है। कल अगर सारे साधन लाइट्स पर चलते हैं, एनर्जी पर चलते, वो एनर्जी फेलियर हो जाता है तो दुख भी मिलता है, नेचुरल है। लेकिन वहां व्यक्ति रिएक्ट नहीं करता है, एडजस्ट कर लेता है। गाड़ी है, जा रहा है, एनर्जी खत्म हो गई, पेट्रोल खत्म हो गया, अगर नहीं मिल रहा है, स्कैर्सिटी है, तो साइकिल चला लेता है या पैदल चले जाता है। रिएक्ट नहीं करता है कि क्यों नहीं है, एडजस्टमेंट। इसी तरह सर्दी गर्मी जो प्रकृति से मिल रहा है, आज बहुत सर्दी है, गर्म कपड़े लगा देते हैं, बहुत गर्मी है, एसी फैन चालू कर देते हैं, वो अगर नहीं हुआ तो हाथ का पंखा भी लेकर के हम आरंभ कर देते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं, रिएक्ट नहीं करते हैं। लेकिन मान अपमान, मनुष्य के द्वारा कभी मान मिला बड़ी खुशी हुई, और अपमान मिला तो सहन नहीं होता है। तब भगवान ये वास्तविकता समझाते हैं कि जीवन के संघर्ष में सुख दुख, सर्दी गर्मी, मान अपमान, ये अप्स एंड डाउन्स, ये यात्रा है, तो अप्स एंड डाउन्स आना ये स्वाभाविक है। उसको सहन करना एक भरतवंशी पर निर्भर करता है। अब सोचने की बात है कि अगर युद्ध का मैदान होता था, वहां अगर व्यक्ति सहन करे तो हार जाएगा, लेकिन जीवन के संघर्ष में सहन भी करना, सहन करने में विजयी भी है, जीवन जीने की कला सिखाता है। कितनी सुंदर बात भगवान यहां अर्जुन को समझाने का प्रयत्न करते हैं, यानी हम सभी को, कि सुख दुख, सर्दी गर्मी, मान अपमान को सहन करना, ये जीवन के संघर्ष का, युद्ध का विधि विधान है।
उसमें विजयी हो सकते हैं। रिएक्ट करने में विजयी नहीं है, रिएक्ट करने में हार है, लेकिन उसको सहन करने में विजयी हो जाएगा। जिस तरह मान लो कि एक सांचा है हमारे पास जल का, बहुत सुंदर बात कही कि विषय में चित्त वृत्तियां भी उसी प्रकार विषयाकार बन जाती है जैसे जल सांचे के अनुसार अपना आकार बना लेता है। आज पानी को मटके में डालो, मटके का आकार ले लेगा, जग में डालो, जग का आकार ले लेगा, पतीले में डालो, पतीले का आकार ले लेगा। पानी का अपना कोई आकार नहीं है, जैसा सांचा दिया वैसा अपना आकार बना लेता है। ठीक इसी तरह हमारी कॉन्शियसनेस का भी अपना कोई आकार नहीं है। कॉन्शियसनेस में भी इतनी पोटेंशियल है, लेकिन जिस तरह का सांचा आप देंगे उस अनुसार वो आकार बना लेगा। सांचा कौन सा है, या सकारात्मक सांचे में डालो या नकारात्मक सांचे में डालो। अगर नकारात्मक सांचे में डालेंगे, नेगेटिव थिंकिंग शुरू करेंगे, तो हमारी चित्त वृत्तियां नेगेटिव हो जाएंगी, रिएक्टिव हो जाएंगी और हमें ही परेशान करना आरंभ करेंगे। जीवन का संघर्ष बहुत मुश्किल हो जाएगा। और अगर वहां कभी हार हुई तो शायद उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और इसीलिए भगवान कहता है कि उसको सकारात्मक सांचे में डालो, पॉजिटिव सांचे में डालो, तो हमारी चित्त वृत्तियां पॉजिटिव हो जाएंगी, तो हमारी सहन करने की क्षमता बढ़ जाएंगी। और जब अंदर की क्षमता बढ़ जाएंगी तो रिएक्टिव होने के बजाय प्रोएक्टिव हो जाएंगे। कितनी डीप बात जीवन के संघर्ष के लिए दूसरे अध्याय के आरंभ में ही भगवान अर्जुन को समझाते हैं कि चित्त वृत्तियों का अपना कोई आकार नहीं है, तुम जैसे सांचे में डालोगे वैसे वो आकार बना लेगा। इसीलिए आप देखेंगे बच्चे होते हैं निर्दोष, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, जो माहौल उसको मिलता जाता है, उस माहौल में बड़ा होते जाता है। अगर नेगेटिव माहौल मिला, नेगेटिव सांचे में उसने अपने कॉन्शियसनेस को डाली, उसको छोटी छोटी बातों में भी चिड़चिड़ापन आने लगेगा। फिर बाद में महसूस करता है, पहले मुझे गुस्सा नहीं आता था लेकिन आजकल बहुत गुस्सा आता है, कहता है ना व्यक्ति, क्योंकि उसने वो सांचे में डाल दिया। अब उस सांचे से निकलना उसके लिए बहुत मेहनत लगती है, इसलिए पहले से ही हम अपने लिए सांचा चूज करें कि मुझे अपनी चित्त वृत्तियों को किस सांचे में डालना है, नेगेटिव पॉजिटिव। उसमें भी अनेक प्रकार की है, खुशी आनंद प्रेम वो सांचे में डालना है, या उदासी निराशा दुखी शक संशय उस सांचे में डालना है, किसमें डालना है, क्योंकि उसी अनुसार हमारा जो संसार है कर्मों का, हमारे कर्मों की सृष्टि वैसी होने लगेगी और तब जीवन का संघर्ष बहुत कठिन हो जाएगा। जीवन में हर कदम ऐसा महसूस करेंगे कि जैसे हर कदम प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम खड़े हो रहे हैं, एक पूरा नहीं होता, दूसरा दूसरा पूरा नहीं, और कई बार तो एक साथ में सारे प्रॉब्लम्स खड़े हो रहे हैं। और ये हमें ज्ञान ही नहीं है कि ये मेरी चित्त वृत्तियों से निर्मित हो रहे हैं। इसीलिए कहा जाता है द फर्स्ट वॉर्स आर बॉर्न इन द माइंड्स ऑफ मेन। युद्ध आरंभ कहां से होता है, मन से, यानी जैसे सांचे में हमने डाला है वहां से ही, या युद्ध वाली स्थिति को एडॉप्ट किया, या फिर शांति की। कई लोगों के जीवन को देखते कहते हैं आपके जीवन में तो इतनी शांति है, कितनी खुशी है, काश हमारा जीवन भी ऐसा होता। लेकिन वो कब होगा, ये स्पिरिचुअल एप्लीकेशन, ये है व्यक्तिगत जीवन के लिए भगवान का निर्देश।
जो इंडिविजुअल फाइट है हमारी, अपना मनोयुद्ध जो है, वो मनोयुद्ध विकराल कब बनता है? जब हमने पहले ही रॉन्ग चॉइस कर लिया अपने जीवन के अंदर, के नेगेटिव सांचे में अपने आप को डाल दिया, कॉन्शियसली नहीं, शायद अनकॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली, घर का माहौल ऐसा था या एजुकेशन उस प्रकार का नहीं था या हालातें ऐसी थी, इसलिए हमने शायद वो चॉइस कर लिया, रॉन्ग चॉइस। और जैसे ही रॉन्ग चॉइस किया तो मुसीबतें वन आफ्टर द अदर निर्मित तो यहां से हो रही है, समझ नहीं पा रहे। इसलिए आगे भगवान कहते हैं कि यह क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का संघर्ष, यहां बहुत स्पष्ट भगवान ने कह दिया, दिस इज नॉट अ फिजिकल वॉर, यह कोई हिंसक युद्ध है ही नहीं। और इसीलिए गीता के अंदर आप देखेंगे युद्ध के श्लोक खाली 15 से 20 है और योग के श्लोक 150 है, 150 श्लोक खाली योग के ऊपर है और युद्ध के श्लोक खाली 15 से 20 है ही नहीं, क्योंकि ये कोई फिजिकल युद्ध है ही नहीं, किसी के साथ लड़ने की बात है ही नहीं फिजिकल लेवल पर, कोई हिंसक युद्ध की बात ही नहीं है, ये अहिंसक युद्ध एक मनोयुद्ध है आरंभ में। इसीलिए भगवान दूसरे अध्याय के आरंभ में ही ये बात स्पष्ट कर देते हैं कि यह क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का युद्ध है, संघर्ष है। क्षेत्र ये शरीर जो कर्म करने का क्षेत्र है और क्षेत्रज्ञ आत्मा, तो जब अंदर में ये द्वंद है कर्म और वृत्ति में द्वंद आता है, तभी व्यक्ति के जीवन में युद्ध जैसी स्थिति संघर्ष आरंभ होता है, जिसमें आसुरी संपद को सर्वथा शमन कर, माना नेगेटिविटी को शांत करो, उस नेगेटिव सांचे से अपने आप को निकालने के लिए उस नेगेटिविटी को शमन करना, शांत करना जरूरी है। और फिर भी अगर नहीं हो रही है तो अल्टरनेट भगवान बताते कि परमात्मा में अपनी चित्त वृत्ति को एकाग्र करो, कि तुम अपने कॉन्शियसनेस को फोकस करो ईश्वर पर, उनसे शक्ति लो। जैसे मान लो कि मैं बाहर खड़ी हूं सूर्य के सामने, सूर्य से मांगती नहीं हूं कि सूर्य तेरी गर्माइश मुझे दे, लेकिन जैसे ही खड़े रहेंगे सूर्य की गर्माइश प्राप्त होने लगती है और रोम रोम के अंदर वो गर्माइश फैल जाती है। समुद्र के पास खड़े रहकर समुद्र से मांगना नहीं पड़ता है कि समुद्र तेरी शीतल हवा मुझे दे, खड़े रहो, रोम रोम में वो शीतलता समा जाती है। ठीक इसी तरह अगर आपके पास शक्ति नहीं है और युद्ध वाली स्थिति बन रही है तो अपने मन को फोकस करो उस परमात्मा पर, जैसे ही फोकस करेंगे वहां से शक्तियां अपने आप मिलती है, मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है कि हे प्रभु मुझे शांति दो, हे प्रभु मुझे शक्ति दो, हे प्रभु मुझे ये दो, मुझे वो दो, मांगने की जरूरत नहीं। द मोमेंट आई कॉन्सेंट्रेट माई अटेंशन, जैसे ही मैंने अपने ध्यान को एकाग्र किया, ईश्वर सर्व शक्तियों में अनंत है, उसकी सर्व शक्तियों की किरणें फैल रही है और उस शक्तियों की किरणों को मैं अपने अंदर समाने लगती हूँ, समाने लगती हूँ। और जैसे ही वो परमात्मा की सर्व शक्तियों की ऊर्जा को मैं अपने अंदर समाती हूँ तो मेरी नेगेटिव चित्तवृत्तियों को शांत करना आसान है। कितना सुंदर तरीका बताया है, कभी गीता को इस तरह से हमने समझा ही नहीं है ना। इसलिए भगवान कहते हैं ये क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के संघर्ष में आसुरी वृत्तियों का शमन करो, आसुरी संपदा जो है, नेगेटिविटीज जो है, उसको शांत करो, और नहीं हो रही है तो अपने चित्त वृत्ति को एकाग्र करो, ईश्वर से वो शक्ति लो तो अपने आप उस शक्ति से आप अपने संघर्ष में
जो शक्ति चाहिए वो शक्ति प्राप्त करके उस संघर्ष में यू विल बी एबल टू फेस, यू विल बी एबल टू ओवरकम और तुम विजयी हो जाओगे। हारने की स्थिति कम आती है जीवन में, शक्ति का अभाव, शक्ति का अभाव से ही व्यक्ति की हार होती है। प्रैक्टिकल फिजिकल लेवल पर भी कोई दो उस्ताद लड़ रहे हो, रेसलिंग बॉक्सिंग में चले जाओ, दो व्यक्ति उस्ताद लड़ रहे हैं, जो व्यक्ति में शक्ति का अभाव होता है वही धीरे धीरे हारने लगता है। इसी तरह मनोयुद्ध में भी हारने वाली स्थिति कब होती है? शक्ति का अभाव। तो शक्ति का अभाव अगर है तो शक्ति के स्रोत के साथ अपने आप को जोड़ो। जैसे ही अपने आप को कनेक्ट करेंगे वो शक्ति का स्रोत जो प्राप्त होगा उससे शक्ति पुनः आएंगी, बैटरी चार्ज होंगी, फिर हम जीवन के संघर्ष में विजयी सहज हो जाएंगे। और फिर आगे भगवान कहते, क्योंकि सुख दुख को समान समझने वाले धीर पुरुष यानी आत्मा, इंद्रियां और विषय, विषय का मतलब यहां क्या है? विषय का मतलब सब्जेक्ट नहीं। अक्सर मनुष्य जब भगवान के मंदिर में जाता है तो भगवान के सामने एक प्रार्थना जरूर करता है। क्या प्रार्थना करता है? विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, गाते हैं ना। विषय का मतलब विकृत विषय, जो नेगेटिविटीज है। तो इसीलिए कहा सुख दुख को समान समझने वाले धीर पुरुष यानी आत्मा, इंद्रियां, ये इंद्रियां भी हमें विचलित नहीं कर सकती और न विषय यानी विकृति, विकृति भी हमें विचलित नहीं कर सकती है। तो इंद्रियों और विषयों के संयोग हमें व्यथित नहीं कर पाती है और वह अमृत तत्व की प्राप्ति के योग्य हो जाता है। जीवन के अंदर अमृत तत्व को प्राप्त कर लेता है। भावार्थ के जीवन में जो सीख मिलती है, जो विजडम आती है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में ही तो आती है, नहीं तो कहां से आएगी। इसीलिए किसी प्रार्थना में बहुत सुंदर कहा कि मैंने भगवान से शक्ति मांगी, भगवान ने मुझे प्रॉब्लम्स दिए सुलझाने के लिए और उस प्रॉब्लम्स को सुलझाने में ही मेरे अंदर विजडम आती गई कि जीवन कैसे जीना है। ये अमृत तत्व को प्राप्त कर लेते हैं। तो जीवन के अंदर अमृत तत्व तभी प्राप्त होता है, विजडम हमारे अंदर तभी आती है जब प्रॉब्लम्स आता है। तो प्रॉब्लम्स आर नेचुरल, वह हमें अनुभवी बनाने के लिए आए, वह हमें सीख देने के लिए आए, जीवन में कुछ वैल्यूबल लेसन्स देने के लिए आई। तो उसमें अपसेट होने की क्या बात है? अगर कुछ गिफ्ट मिल रही है तो प्यार से स्वीकार करें ना, अपसेट क्यों हो जाते हैं? मुझे याद आता है एक दृष्टांत। थोड़े समय पहले यहाँ एक कलेक्टर आए थे, उसने अपना अनुभव शेयर किया और अनुभव शेयर करते हुए उन्होंने कहा कि मैंने जैसे ही कॉलेज कंप्लीट किया, एमकॉम अपना पूरा किया और एमकॉम पूरा करते ही मुझे एक जॉब लग गई बैंक में। मैं बहुत खुश था कि लोग इतना पढ़ने के बाद, डिग्रियां लेने के बाद भी जॉब के लिए भटकते हैं और मैंने एमकॉम कंप्लीट करते ही मुझे एक जॉब मिल गया, असिस्टेंट डायरेक्टर एक बैंक में बन गया। मैं बहुत खुश हो गया क्योंकि मुझे अपना भविष्य आगे बहुत सुरक्षित महसूस लगा और लगा कि मेरा स्कोप भी अच्छा है, मैं अच्छा परफॉर्मेंस दूंगा तो नेचुरल है मैं आगे चल करके प्रमोशंस को भी प्राप्त करूंगा। बहुत खुश था। लेकिन साल के अंदर ही एक ऐसी परीक्षा आई मेरे सामने कि बैंक के अंदर कुछ घोटाला हुआ और मैं अनुभवी नहीं था, नया नया ज्वाइन किया था, सारा इल्जाम मेरे ऊपर आ गया और मेरे पास कोई सबूत नहीं अपने आप को निर्दोष प्रूव करने का, कुछ नहीं मेरे पास, और मैं इतना परेशान हो गया और मुझे मजबूरी में रेजिग्नेशन देना पड़ा।
बोला मैं बहुत दुखी हो गया, इतना दुखी हो गया कि ये क्या, मैंने कर्म किया ही नहीं, फिर मेरे ऊपर कैसे ये इल्जाम आ गया। मैंने कोई ऐसी हरकत नहीं की, कोई ऐसा कर्म नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। मैं भगवान से बहुत झगड़ा करने लगा कि हे प्रभु, तुम तो जानता है मैं नीति पर चलने वाला, और फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। खैर, हर कोई उसको यही सांत्वना दे रहे थे कि दूसरी जॉब अच्छी मिल जाएंगी, इससे बेहतर मिलेगी, कोई बात नहीं, थोड़ी धैर्यता रखो। लेकिन मैं धैर्यता नहीं रख सकता था, मेरा मन बड़ा परेशान था, इतने नेगेटिव सोच चलने लगे, क्योंकि मैं जहां भी नई जॉब के लिए अप्लाई करता था, वो बात इतना न्यूज़पेपर्स में आ गई थी कि वही बात मेरे सामने आ जाती, और मुझे कोई अच्छी जॉब नहीं मिल रही थी। तो मैं और परेशान हो गया कि क्या जीवन भर मुझे ये चीज को फेस करना पड़ेगा, सहना पड़ेगा। बहुत परेशान हो गया। धीरे धीरे मेरा मन नेगेटिविटी की ओर, और इतना नेगेटिव सोच चलने लगा कि नेगेटिव सोचते सोचते कहीं ना कहीं मैं डिप्रेशन का शिकार होने लगा। कोई अच्छी जॉब नहीं मिल रही थी मुझे, जहाँ जाता था अच्छी जॉब के लिए मुझे रिजेक्ट हो जाता था, मिलती थी तो कम दर्जे वाली मिलती थी जो मुझे पसंद नहीं था, क्या करूँ। आखिर मेरा एक दोस्त जो कॉलेज में मेरे साथ में था, उसको पता चला, वो कलेक्टर बन गया था, तो वो जैसे ही उसको पता चला वो मुझे मिलने खास आया, और उसने मेरी हालत देखकर मुझे कहा, ये तुम क्या कर रहे हो अपने साथ। कहा मुझे कुछ नहीं सूझता है, लेकिन मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, तुम जानता है मुझे अच्छे से, मैं ऐसा कर नहीं सकता हूँ, फिर मेरे साथ। वो दोस्त ने कहा कि कोई बात नहीं, कहा हर कोई यही कहता है कोई बात नहीं, लेकिन मैं इस बात को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा हूं। वो दोस्त ने कहा चलो जब तक तुझे दूसरी जॉब मिलती है तुम फ्री है बैठा है, तुम हमेशा कॉलेज में इतना ब्राइट स्टूडेंट रहा है, तुम एक काम करो, ये आईएएस का फॉर्म मैं लेके आया हूं, तुम भर दे, कम से कम माइंड को एक डाइवर्जन तो मिल जाएगा, और तुम्हारे अंदर की जो पोटेंशियल है उसको बाहर ले आओ। बहुत रिलक्टेंटली उसने बहुत फोर्स किया, इसलिए मैंने आईएएस का फॉर्म भरा, और आईएएस का फॉर्म भरने के बाद मेरा सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन होने के बाद जैसे जैसे मैं सारी टेस्ट पार करता गया और मैं कलेक्टर बन गया। अब मुझे समझ में आ रहा था कि वहां मेरे साथ वो घटना क्यों हुई थी, क्योंकि भगवान नहीं चाहता था कि मैं वहां रहूं। मेरी पोटेंशियल के हिसाब से, मेरे संचित कर्मों के हिसाब से वो मुझे कुछ बढ़ा देना चाहता था। अगर सब कुछ अच्छा होता था तो मैं कभी आईएएस का फॉर्म भरने का सोचता भी नहीं था, और आज मैं यहां पहुंच गया हूं। मना उसने बताया कि जीवन के अंदर जो मुश्किलें आती है, जो मुश्किलें आती हैं उसके पीछे एक रहस्य होता है, और रहस्य यही है कि वो हमें उस अमृत तत्व को प्राप्त कराने के लिए हमें जैसे उस दिशा में आगे बढ़ाती है। और जब उस अमृत तत्व को हम प्राप्त कर लेते हैं, तब हमें समझ में आता है कि हमारे साथ जो सीक्वेंस हुई लाइफ में, वो सीक्वेंसेस क्यों हुई है, वो सीक्वेंसेस के पीछे कोई ना कोई रहस्य था। और वो रहस्य तभी रिवील होता है जब हम उसको अचीव करने के लिए आगे बढ़ते हैं। अगर नेगेटिव सांचे में मैंने अगर अपने आप को डाल दिया होता था, वो फ्रेंड अगर आता ही नहीं था, ये सीक्वेंस बनती ही नहीं थी, तो शायद उस नेगेटिव सांचे में अपने आप को डिप्रेशन का शिकार बना करके मैंने अपने जीवन को क्या कर दिया होता था। भावार्थ ये कि जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स आती है, ये प्रॉब्लम्स ही हमें अनुभवी बनाती है, वाइज बनाती है, और उस अमृत तत्व को प्राप्त करने के योग्य पात्र बना देती है। ये गीता हमें सिखाती है,
जीवन के अंदर कभी भी नाउम्मीद निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आरंभ में ही ये बात कितना सुंदर तरीके से भगवान ने अर्जुन को समझा दिया, यानी हम सब अर्जुनों को आज भगवान समझाते हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, जीवन की वास्तविकता से हमारा परिचय करा रहे हैं कि उसी में से तो अमृत तत्व मिलेगा। और फिर आगे भगवान कहते हैं, ये शरीर ही एक कर्म करने का क्षेत्र है, इस शरीर रूपी खेत में बोए गए भले व बुरे कर्म का बीज सदैव संस्कार रूप में उगता है। 10 इंद्रियां ये क्षेत्र का विस्तार है। प्रकृति से उत्पन्न इन तीनों गुणों से विवश होकर मनुष्य को कर्म करना पड़ता है। प्रकृति के तीन गुण कौन से? सात्विक, राजसिक और तामसिक। प्रकृति के ये तीन गुण हैं। अब मेरा चॉइस है कि मैं कौन सी प्रकृति को एडॉप्ट करूं, सात्विक प्रकृति, राजसिक प्रकृति या तामसिक प्रकृति, क्योंकि उसके बाद जो कुछ भी होना है, जो फ्रूट्स मिलने हैं वो वही प्राप्त होंगे। तो समझदारी क्या है, कौन सी प्रकृति को अपनाना चाहिए? जो आज टेम्पररी गेन्स के लिए अगर तामसिक प्रकृति को अपना भी लेता है, लेकिन लॉन्ग रन में वो तामसिक प्रकृति से जो रिजल्ट मिलना है वो क्या होगा, दुख या सुख? दुख की प्राप्ति होगी। सात्विक प्रकृति में शायद कुछ कठिनाई जरूर होंगी, लेकिन उसके लॉन्ग रन में जो फ्रूट्स मिलने वो कौन से हैं? सुख की प्राप्ति होती है। तो इसीलिए प्रकृति के ये तीन गुणों से विवश होकर मनुष्य कर्म करता है, लेकिन ये चॉइस अपना है कि मैं कौन सी प्रकृति को अपने अंदर विकसित करूं, डेवलप करूं, ये मेरा चॉइस है, ये भगवान का चॉइस नहीं है। भगवान ने हमें बुद्धि दी है और ये तीन प्रकृति का ज्ञान दिया है। अब तुम्हें जो अपनाना है, फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस के लिए भी तुम तैयार रहना, ये कर्म की गुह्य गति है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि मनुष्य ये तीन गुणों से विवश होकर कर्म करता है, वह क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता है। इसीलिए इसे कर्म क्षेत्र अथवा कुरुक्षेत्र कहा जाता है। कुरुक्षेत्र कौन सा है? वो हरियाणा प्रदेश वाला नहीं, ये कुरुक्षेत्र बन जाता है जहाँ युद्ध का हर घड़ी सामना करना पड़ता है, संघर्ष वाला जीवन जीना पड़ता है। तो कुरुक्षेत्र किसको कहा जाता है, ये भी भगवान ने स्पष्ट कर दिया। अब आत्मा की शाश्वतता के बारे में बताते हैं कि आत्मा कभी भी मरती नहीं है, यह अविनाशी, शाश्वत और आदि युगीन है। शारीरिक वध से आत्मा का वध नहीं होता है और प्रकृति के पांचों तत्व आत्मा को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। सिर्फ गुणों के द्वारा उसकी चमक बढ़ती है और विकारों के द्वारा, नेगेटिविटी से, उसकी प्रभा कम होती है। सांसारिक बंधनों में फंसकर ये कमजोर होती है, जबकि सांसारिक बंधनों से मुक्त रहकर ये शक्तिशाली बन जाती है। सिंपल शब्द में बहुत सुंदर बात, गहरी बात भगवान ने बताई कि आत्मा की शाश्वतता के कोई उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकते, न अग्नि उसको जला सकती, न तलवार उसको काट सकती, न पानी उसको भिगो सकती, न हवा उसको सुखा सकती है। ये वास्तविकता है ना। सिर्फ जितना गुणों को, यानी सात्विक प्रकृति को लेकर के हम चलेंगे तो हमारी प्रभा बढ़ती है। प्रभा मीन्स कि आज जैसे दुनिया के अंदर ये तो हर कोई मानता है, जानता है कि हर इंसान के आगे पीछे चारों ओर एक ओरा होता है, और वो ओरा या लाइट कलर्स का होता है या डार्क कलर्स, साइंस जो बताती है, या लाइट कलर का होता है या डार्क कलर का होता है। लेकिन जितना व्यक्ति सात्विक प्रकृति, सद्गुणों को लेकर के चलता है, उतना उसका ओरा बहुत चमक वाला होता है, तेज वाला होता है।
और वो तेज, आज की दुनिया के अंदर ऐसे कैमरास निकले हैं कि कौन सा ओरा आपके आसपास है वो दिखाते हैं, डार्क कलर का ओरा से लाइट कलर का ओरा से वो स्पष्ट करते हैं। ऐसे साधन निकले हैं आज की दुनिया के अंदर, माना हर इंसान के आसपास एक ओरा जरूर है, या पॉजिटिव एनर्जी का ओरा है या नेगेटिव एनर्जी का ओरा है। इसीलिए कहा कि जितना व्यक्ति सात्विक गुणों को लेकर चलता है उसका ओरा वो तेज बढ़ता है, लेकिन जितनी नेगेटिव क्वालिटीज के वश होकर के वो चलता है उतना वो ओरा डार्क होता है और बहुत क्षीण हो जाता है, जैसे कि लाइन बचती है। और इसीलिए जब ओरा ही नहीं, उसका पॉजिटिव ओरा नहीं, ये पॉजिटिव एनर्जी का ओरा क्या काम करता है, ये हमारे लिए एक कवच का काम करता है आज की दुनिया में, क्योंकि चारों ओर नेगेटिविटी का वायुमंडल है और ये नेगेटिविटी का वायुमंडल बहुत जल्दी प्रभावित करता है व्यक्ति को, व्यक्ति की मानसिकता को प्रभावित कर देता है और बहुत जल्दी उसको हलचल में ले आता है। एक उदाहरण अगर मैं दूं, कई बार आपने कई लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि वैसे मुझे गुस्सा नहीं आता है, लेकिन अगर कोई झूठ बोलता है ना तो मैं सहन नहीं कर सकता, मुझे बहुत गुस्सा आता है। है ना ऐसी बात कि नहीं है? है ऐसी बात, है ना? अब सोचने की बात ये है, ये बात को थोड़ा एनालाइज करें हम, कि कोई भी इंसान झूठ कब बोलता है, झूठ का सहारा कब लेता है, कोई भी इंसान झूठ कब बोलता है? डर, डर के कारण झूठ बोलता है। सत्य को फेस करने की ताकत नहीं है, शक्ति नहीं है, डर के कारण झूठ बोलता है। अब डर ये पॉजिटिव ओरा है या नेगेटिव ओरा है? नेगेटिव ओरा है, तो वो तो नेगेटिव एनर्जी के वश है, इसीलिए उसने झूठ बोला। लेकिन अगर आपको तुरंत गुस्सा आ गया, उसके झूठ बोलते ही आपको तुरंत गुस्सा आ गया, वैसे आप शांत थे, यानी पॉजिटिव क्वालिटी, शांति तो पॉजिटिव एनर्जी है, शांति की पॉजिटिव क्वालिटी में थे आप, लेकिन अगर वहां जाने के बाद उस ओरा का प्रभाव आप उसके ऊपर नहीं डाल सके और उसके नेगेटिविटी का प्रभाव आपके ऊपर पड़ा और उसके झूठ बोलते ही आपको गुस्सा आ गया, तो पावरफुल कौन हुआ, आप हुए या वो हुए? वो हो गया, यानी नेगेटिव एनर्जी वाला पावरफुल हो गया और आप पॉजिटिव एनर्जी वाले वश हो गए, राइट? लेकिन अगर आप अपनी बैटरी को चार्ज करते हैं पॉजिटिव एनर्जी से, आप वहां जाएंगे, आपके खड़े होने से वो सच नहीं बोलेगा, इतनी ताकत नहीं है उसके पास सच बोलने की, सच नहीं बोलेगा, लेकिन झूठ भी नहीं बोल पाएगा, चुप रहेगा, क्योंकि आपकी एनर्जी का प्रभाव उसके ऊपर पड़ रहा है, इसलिए वो चुप रहेगा, सच नहीं बोलेगा। लेकिन जैसे ही आप वहां से हटेंगे, उसके बाद उसके अंदर एक अंतर्द्वंद चलेगा, मुझे चुप नहीं रहना चाहिए था, मुझे बता देना चाहिए था, वास्तविकता बता देता था, क्या होता था, थोड़ा गुस्सा कर लेता था, अंदर में एक द्वंद चलता है और आधा पौना घंटा ये द्वंद चलता है, उसके बाद वो हिम्मत इकट्ठी करता है, पौने घंटे के बाद आपको पास आकर कहता है एक बात बताना चाहता हूँ, आप कहेंगे बताओ, फिर वो बात को स्पष्ट करता है, ऐसा नहीं ऐसा हुआ था इसलिए ऐसा हुआ। सुनने के बाद आप क्या कहते, पहले बताता अच्छा होता था, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अब देखते हैं। और जैसे ही आपने ये बात कही, अब उसका डर बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा, उसको लगेगा मैं तो नाहक डर रहा था, बड़ी सहजता से उन्होंने तो कह दिया। अब उसके अंदर और हिम्मत आएंगी पॉजिटिविटी की और बढ़ने की, दूसरी बार शायद थोड़ा वक्त कम हो जाएगा, 15 मिनट लगेगी वो द्वंद चलने में, लेकिन जैसे जैसे आप उसको एम्पावर करते जाते हैं अपनी पॉजिटिव एनर्जी लेवल से, पॉजिटिव ओरा से,
वैसे वैसे उसका डर भी खत्म होने लगता है और आपके प्रभाव का उसके ऊपर जो असर पड़ता है कि वो उस नेगेटिव सांचे से बाहर आ जाता है। कहने का भावार्थ कि पॉजिटिव ओरा विकसित करना चाहिए नहीं करना चाहिए? आज की दुनिया में आप क्या समझते, नेगेटिव को विकसित करें या पॉजिटिव को विकसित करें? काम क्या आएगा आगे चलकर मुझे, मुझे जो जीवन के संघर्ष में हेल्प करेगा, वो नेगेटिव एनर्जी हेल्प करेगी या पॉजिटिव एनर्जी हेल्प करेगी? पॉजिटिव एनर्जी पॉजिटिव रिजल्ट्स के साथ मुझे हेल्प करेगी, नेगेटिव एनर्जी नेगेटिव रिजल्ट्स के साथ मेरी मुश्किलें को और बढ़ा देंगी। ये भगवान का भाव है कि आप सद्गुणों के द्वारा अपनी प्रभा को बढ़ाओ। यही अर्जुन को कहना चाहता है, आत्मा के पास इतनी शक्ति एक क्षमता है, लेकिन उस क्वालिटी को आप जितना बढ़ाते हैं, उस ओरा को जितना बढ़ाते हैं, उतना जीवन का संघर्ष आसान हो जाएगा। जितना नेगेटिव ओरा आपका बढ़ेगा, उतना ही जीवन का संघर्ष मुश्किल होता जाएगा, हर कदम मुश्किलों के आधार पर आगे बढ़ता जाएगा। जब व्यक्ति दिन प्रतिदिन और डिप्रेस्ड हो जाता है और नाउम्मीद होने लगता है, कितनी सुंदर बात, यह आत्मा के ज्ञान के साथ साथ गहरी बातें भगवान अर्जुन को दे रहा है। और उसके बाद भगवान कहते हैं, जैसे व्यक्ति नए वस्त्र धारण करने के लिए पुराने वस्त्र को त्याग करता है। सिंपल ज्ञान देता है कि हर कोई नया वस्त्र धारण करना चाहता है और पुराना हो जाता है, कोई जीर्ण हो जाता है वस्त्र, तो उसको त्याग करना ही चाहता है। वैसे ही आत्मा नया शरीर धारण करने से पहले पुरानी देह का त्याग करती है। ये एक शाश्वत नियम है कि जिसने भी शरीर धारण किया उसे शरीर छोड़ना भी पड़ता है। आत्मा अविनाशी है, शरीर नहीं। शरीर तो विनाशी है, आत्मा सदा के लिए अविनाशी है। और इसीलिए ये आत्मबोध कराते हैं कि एक व्यक्ति ने अगर शरीर धारण किया तो नए वस्त्र धारण करने से पहले पुराने वस्त्र को तो छोड़ना ही है, तो स्वाभाविक है। और इसीलिए ये मोह जो तेरा है वो शरीर के साथ है, आत्मा के साथ मोह करेगा तो उसके लिए और यही कामना करेंगे कि उसको और नया वस्त्र मिले। यही हर एक की इच्छा होती है। आज माता पिता का भी अगर बच्चे में मोह है तो हमेशा नए वस्त्र उनको लेकर के देते हैं ना। तो इसी तरह कोई चीज़ पुरानी हो गई, जीर्ण हो गई, तो उसके लिए तो शुभकामना यही है कि उसको नया वस्त्र प्राप्त हो। फिर भगवान आगे 31वें श्लोक से लेकर के ये आत्मबोध कराया, पॉजिटिव नेगेटिव सांचे में किस तरह से डालना है नहीं डालना है, अपनी चित्त वृत्तियों को कैसे विकसित हम करते हैं, अपनी प्रभा को कैसे बढ़ाते, इन बातों को स्पष्ट किया आत्मज्ञान के साथ साथ। और फिर 31वें श्लोक से बताते हैं कि हे अर्जुन, स्वधर्म को देख करके भी तू भय करने योग्य नहीं है, क्योंकि धर्म युक्त युद्ध से बढ़कर अन्य कोई परम कल्याणकारी मार्ग नहीं है। किंतु यदि इस धर्म युक्त युद्ध नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति दोनों को खोकर पाप को प्राप्त करेगा। भावार्थ क्या है? आत्मिक संपत्ति ही स्थिर संपत्ति है। इसीलिए वैल्यूज जो सद्गुण जो पॉजिटिव ओरा को बढ़ाता है उससे प्राप्ति क्या होती है कि धर्म युक्त युद्ध हो जाता है, कि जीवन का संघर्ष वैल्यूज के बेसिस पर जब करते हैं तो उससे परम कल्याणकारी मार्ग और कोई नहीं है। किंतु यदि ये युद्ध नहीं किया तो उससे जो प्राप्त कीर्ति है, वैल्यू से तो कीर्ति ही प्राप्त होगी रिजल्ट में, तो कीर्ति को भी खो देगा और पाप को प्राप्त करेगा अगर नेगेटिव सांचे में डाला तो। और इसीलिए तू स्वधर्म को जान। अब यहां अक्सर लोग हमें यही, जो भी गीता पाठी होते हैं वो हमें यही समझाते हैं कि स्वधर्म का मतलब है कि भगवान अर्जुन को क्षत्रिय धर्म का एहसास कराते थे। अगर भगवान अर्जुन को क्षत्रिय धर्म का एहसास कराते
तो क्या गीता का ज्ञान खाली क्षत्रियों के लिए है? नहीं, अगर गीता का ज्ञान सारी मानव जाति के लिए है, तो यहां स्वधर्म का मतलब कुछ और है। और वो स्वधर्म का मतलब है आत्मा के गुण धर्म, आत्मा के गुण धर्म की बात है। क्योंकि हर एक का जीवन संघर्षमय है, तो आत्मा की पोटेंशियल के बारे में हमें जागृत कर रहे हैं भगवान। जिस तरह से शरीर और आत्मा दो चीज है, अगर इस बात को हम एनालाइज करके देखेंगे, शरीर और आत्मा दो चीज है जिससे जीवात्मा कहलाता है। शरीर ये पंच तत्वों का बना हुआ पुतला है, और जिसमें चैतन्य शक्ति आत्मा ने प्रवेश किया तब वो चैतन्य हो गया या जीवन हो गया, राइट? अब इस जीवन के अंदर शरीर की वास्तविकता को हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि शरीर माना पांच तत्व, और इसीलिए शरीर जीवन जीने के लिए यही पांच तत्वों की डिमांड करती है। आज ऑक्सीजन चाहिए क्योंकि यह शरीर बना है ऑक्सीजन से। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो उसके रिप्लेसमेंट में दूसरा कोई गैस चलेगा? नहीं चलेगा, क्योंकि शरीर की बनावट में ऑक्सीजन ही डाला हुआ है, है ना? इसी तरह पानी चाहिए, क्यों? क्योंकि यह शरीर के अंदर 60-70% पानी का हिस्सा है। जब व्यक्ति पानी पीता है तो सोच के नहीं पीता है कितना पीना है, लेकिन जैसे ही वाटर लेवल बैलेंस हो गया हम अपने आप ग्लास छोड़ देते हैं, एक्सेस नहीं पीते हैं कि कल के लिए चलेगा। और अगर पानी नहीं है तो उसके रिप्लेसमेंट में डीजल, केरोसिन, पेट्रोल, दूसरा कोई लिक्विड नहीं चलेगा, पानी ही चाहिए, क्योंकि यही शरीर की वास्तविकता है। इसी तरह इस शरीर के अंदर जो चैतन्य शक्ति आत्मा है, इसीलिए कुदरत ने ये पांचों तत्व सारे संसार के प्राणी मात्र के लिए एक समान बनाकर रख दिए। उसमें कोई भेदभाव नहीं किए कि भारत वालों को अलग क्वालिटी की हवा पानी मिलेगा, अमेरिका वालों को अलग क्वालिटी की हवा पानी मिलेगी, नहीं, या गरीबों को अलग मिलेगा, अमीरों को अलग मिलेगा, या हिंदुओं को अलग मिलेगा, दूसरे धर्म वालों को अलग मिलेगा, नहीं, नो डिस्टिंक्शन, एक समान पांचों तत्व बना कर रख दिए। ठीक इसी तरह इस शरीर के अंदर जो चैतन्य शक्ति आत्मा है, आत्मा को भी जीवन जीने के लिए कुछ चाहिए या नहीं चाहिए? क्या चाहिए? शरीर को पांच तत्व चाहिए, शरीर में आत्मा को जीवन जीने के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? क्या कहेंगे? आत्मा को चाहिए कुछ या समझते आत्मा निर्लेप है, उसको कुछ नहीं चाहिए? क्या कहेंगे? हाँ, आत्मा बल चाहिए। कौन सा बल चाहिए? जीवन जीने के लिए आत्मा को कौन सा बल चाहिए? हाँ, प्योरिटी चाहिए। और कौन सा बल चाहिए? पीस चाहिए। और हर आत्मा को जीवन जीने के लिए 7 बातें चाहिए, शरीर को 5 चाहिए, आत्मा को 7 चाहिए। और कौन सी 7 बात जो सारे संसार के प्राणी मात्र को चाहिए? कौन सी चाहिए? शांति चाहिए कि नहीं चाहिए? कोई है जो कहेगा मुझे स्ट्रेस चलेगा लाइफ में? शांति चाहिए। खुशी चाहिए, आनंद चाहिए कि उदासी गम चलेगा? नहीं चलेगा। प्यार चाहिए? तो जीवन जीने के लिए आत्मा को भी 7 गुण चाहिए, और ये 7 गुण बहुत आवश्यक है। जो आत्मा का स्वधर्म है, जो आत्मा की रियल पोटेंशियल है, ये 7 गुण, उसमें भी सबसे पहले है ज्ञान। आज विज्ञान चरम सीमा पर है,
लेकिन फिर भी हर इंसान को जीवन में आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए। क्यों चाहिए, क्यों चाहिए, क्यों चाहिए? क्योंकि मनुष्य जीवन में सबसे बड़ा अज्ञान अगर है तो वह है ईगो। ईगो इज द ग्रेटेस्ट इग्नोरेंस इन ह्यूमन लाइफ, सबसे बड़ा अज्ञान है। यह भी कहा जाता है ईगो इज द ग्रेटेस्ट कर्स इन ह्यूमन लाइफ, है ना? और ये अहंकार के कारण कितने रिश्ते टूट रहे हैं, कितने परिवार टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं, कितनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो रही है, कितना कलेश हो रहा है ईगो क्लैश के कारण। और उसका कोई समाधान है? प्रैक्टिकल दुनिया के अंदर ईगो क्लैश जहां होता है उसका कोई समाधान है? उसका कोई समाधान नहीं होता है। आध्यात्मिक ज्ञान ये एक ही समाधान है, क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान ही उस ईगो को न्यूट्रलाइज करता है, समाप्त करता है, निष्क्रिय कर देता है। विजडम जैसे जैसे व्यक्ति के अंदर आती है उसका ईगो क्षीण होने लगता है। इसलिए यही एकमात्र साधन है। तभी बचपन से हमें ये प्रार्थना सिखाई जाती है, अज्ञान से हमें ज्ञान की ओर ले चलो हे प्रभु, अंधकार से हमें प्रकाश की ओर ले चलो हे प्रभु, और मृत्यु से हमें अमरत्व की ओर ले चलो हे प्रभु। क्योंकि यह ज्ञान जितना होगा जीवन अंधकारमय और मृत्यु लोक को ही प्राप्त होगा, लेकिन ज्ञान का प्रकाश जैसे जैसे आता है वैसे वैसे व्यक्ति का एलिवेशन होता है अमरत्व की ओर, है ना? इसीलिए ज्ञान चाहिए, इसीलिए आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए। मैंने कहीं बहुत सुंदर पढ़ा कि दुनिया की सारी लाइब्रेरी से सारी किताबों को लिया जाए और उसका एक बड़ा ढेर लगाया जाए और उसकी होलिका जलाई जाए तो द हीट प्रोड्यूस्ड इज मोर देन द लाइट। और सही में आज यही हो गया है कि मनुष्य में जो थोड़ा बहुत ज्ञान आया है उस ज्ञान से अहंकार की गर्मी जरूर जनरेट हुई, रोशनी नहीं आई व्यवहार में। द हीट प्रोड्यूस्ड इज मोर देन द लाइट। अहंकार की गर्मी जरूर है, व्यवहार में रोशनी नहीं है, है ना? इसीलिए अज्ञान से हमें ज्ञान की ओर ले चलो हे प्रभु। तो अहंकार को न्यूट्रलाइज करने का यही एकमात्र साधन है। उसके साथ साथ दूसरी क्वालिटी प्योरिटी। एक बच्चा जब पैदा होता है कितना इनोसेंट, प्योर, निर्मल है। ये हमारी रियल आइडेंटिटी है, है ना? जो कहा गया नो थाई सेल्फ रियलाइज थाई सेल्फ, अपनी वास्तविकता को जानो पहचानो। क्या कि मेरी रियल आइडेंटिटी कौन सी है? आई एम अ प्योर बीइंग, दिस इज माई रियल आइडेंटिटी, ये मेरी वास्तविकता है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा बच्चा बड़ा होने लगता है, धीरे धीरे उस आइडेंटिटी से धीरे धीरे दूर होने लगता है और एक फॉल्स आइडेंटिटी का शिकार होने लगता है। और जब फॉल्स आइडेंटिटी का शिकार होने लगता है, ईगो कॉन्शियस होने लगता है, तो इम्प्यूरिटीज उसके जीवन में आने लगती है और उस इम्प्यूरिटी से फ्रस्ट्रेशन के सिवाय कुछ नहीं मिलता है। कई बार हम देखते हैं किसी दो व्यक्ति के आपस में बहुत अच्छी दोस्ती होती है, कुछ समय के बाद देखो दोस्ती टूट जाती है। अगर पूछा जाए आपकी तो बहुत अच्छी दोस्ती थी, क्या हुआ? तो कहेंगे बाद में पता चला ये व्यक्ति के अंदर कुछ और बाहर कुछ था। बाहर से बड़ी सफाई वाली बातें कर रहा था लेकिन अंदर में ही वॉज नॉट प्योर एट हिज हार्ट। उसकी भावनाओं में शुद्धि नहीं थी, उसके विचारों में शुद्धि नहीं थी, उसके व्यवहार में शुद्धि नहीं थी। सो आई वॉज नॉट कंफर्टेबल विथ हिम। सो वेर आर वी कंफर्टेबल? जहां प्योरिटी है, शुद्धि है, वहां कंफर्टेबल फील करते हैं।
जैसे ही कोई व्यक्ति चालाकी शुरू करता है, अंदर कुछ बाहर कुछ, लोग भले बोलेंगे नहीं, समझ जाते हैं और धीरे धीरे उस व्यक्ति से दूर होने लगते हैं। और दूर होने के बाद क्या कहते हैं दूसरों को भी सावधान करने के लिए, बड़ा खतरनाक है, संभाल के, खतरनाक कह दिया। अरे इसके अंदर क्या है पता ही नहीं चलता है, कहां धोखा दे देगा पता नहीं, और बड़ा दर्द होगा, इसलिए दो कदम दूर रहो, खतरनाक है। और कोई व्यक्ति बहुत भोला है, प्योर एट हार्ट, उसके लिए क्या कहते, ये भगवान का बंदा है, जो अंदर होगा ना वही बाहर होगा, कोई हेरा फेरी नहीं है ना, उससे कोई खतरा नहीं। क्या बनना चाहते हम जीवन के अंदर, खतरनाक या भगवान का बंदा, क्या बनना चाहते हैं? लेकिन क्या बन गए हम चलते चलते? अपने आप को देख सकते हैं कि हम चलते चलते जीवन में क्या बन गए? That is why it is said, know thyself, realize thyself. अपनी वास्तविकता को जानो और उसको महसूस करें और उस यात्रा की ओर वापस आए, यही मेडिटेशन है। जहां अंडरस्टैंडिंग है, प्योर फीलिंग्स है, वहीं प्रेम पनप सकता है। जहां अहंकार हो, इम्प्यूरिटीज हो, वहां कभी रिश्तों में प्रेम पनप सकता है? कभी नहीं। इसीलिए किसी ने सही कहा, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, लेकिन अफसोस ढाई अक्षर प्रेम का ही नहीं पढ़ पाया मनुष्य। और इसीलिए आज प्रेम के बदले स्वार्थ युक्त उसका जीवन हो गया है, इतना स्वार्थ युक्त जीवन हो गया है कि अब हर कोई समझ सकता है, अरे ये बड़ा स्वार्थी है, ये बड़ा मतलबी है, मतलब के बिना बात नहीं करेगा, पहचानेगा नहीं। किसी व्यक्ति को टेंशन में देखते हैं ना, और उसको पूछो भाई क्या बात है, क्यों इतना टेंशन में लग रहे हो, तो क्या कहते हैं, अरे ये व्यक्ति इतना प्यार से बोल रहा है ना, यही टेंशन कर रहा है। अरे प्यार से ही बोल रहा है ना, नफरत से तो नहीं बोल रहा है, तो क्या कहते हैं, नहीं नहीं ज्ञान है ही नहीं, अंडरस्टैंडिंग है नहीं, प्योर फीलिंग्स है नहीं। उसके बाद अगर प्यार दिखाता है ना, तो जरूर कोई मतलब है, इसलिए टेंशन हो रहा है कि अब कौन सा मतलब सिद्ध करना चाहता है। जहां ये तीनों है, अंडरस्टैंडिंग है, प्योर फीलिंग्स है, प्रेम है, निस्वार्थ प्रेम है, वहां शांति है। आज व्यक्ति रिलैक्स्ड महसूस नहीं कर सकता है लाइफ में, रिलैक्स क्यों नहीं रह सकता, इसलिए उसको कहना पड़ता है रिलैक्स। आजकल के बच्चे भी माँ बाप को क्या कहते, कूल कूल रिलैक्स, कहता है कि नहीं कहता है? आजकल के बच्चे भी माँ बाप को एडवाइस देने लग गए, कूल रिलैक्स, अगर गुस्सा करने लगे बच्चे ने कुछ गलत, कहते रिलैक्स ठीक कर देंगे, उसमें क्या है, इतना क्यों एक्साइटेड हो जाए आप, कहते हैं कि नहीं, इतना क्यों हाइपर हो रहा है, बच्चे माँ बाप को कहने लगे इतने क्यों हाइपर हो रहे हैं, रिलैक्स हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। बच्चे क्या ज्ञान देते हैं माँ बाप को, शांति नहीं है जीवन के अंदर। और जहां ये चारों बातें हैं, वहां जीवन में सच्चा सुख है। अगर शांति नहीं तो सुख भी नहीं, दुर्लभ के गद्दे पर सोने के बाद भी नींद नहीं, स्लीपिंग पिल्स लेने के बाद भी नींद नहीं, है कि नहीं? और जहां ये पांचों बातें हैं, वहां जीवन की सर्वोच्च प्राप्ति आनंद है। आज आनंद तो छोड़ो, खुशी फर्स्ट स्टेप वो भी नहीं है, खुशी का अनुभव करने के लिए भी लोगों को लाफिंग क्लब्स ज्वाइन करना पड़ता है, बगीचे में जाके हंसना पड़ता है, घर में वो हंस नहीं पाते हैं, है ना? घर में अगर मुस्कुरा दिए तो सबसे पहले घर वाले पूछना चालू करते, क्या बात है, इतना मुस्कुरा क्यों रहे हो, है कि नहीं, तबीयत ठीक है,
मैंने मुस्कुराए तो तबीयत ठीक नहीं तो मुस्कुराएंगे क्या? और अगर व्यक्ति अपनी मुस्कुराहट का कारण डिस्क्लोज करना नहीं चाहते हैं और कह दिया बस ऐसे ही, तो क्या कहते हैं, दिमाग ठीक है? हाउ कैन यू स्माइल विदाउट अ रीजन? अगर व्यक्ति ऑफिस में गया मुस्कुराता हुआ चेहरा लेख करके, तो ऑफिस वाले इशारा करते हैं उसके पीठ पीछे, क्या बात है आज तो बड़ा मुस्कुरा रहा है, बंदा खुश है, जो काम करवाना है करवा लो, एडवांटेज लेना शुरू कर देते हैं। इसलिए भी व्यक्ति एकदम सीरियस होकर के अपना मुस्कुराता हुआ चेहरा लेकर के नहीं चल सकता है। कैसी विडंबना है। वी वॉन्ट टू बी हैप्पी, वी वॉन्ट टू स्माइल, वी वॉन्ट टू लाफ, लेकिन आज मनुष्य हंसना भूल गया, धीरे धीरे मुस्कुराना भूल जा रहा है ना? कर्व ऐसे जाने के बजाय हमेशा ऐसे रहती है हमारे चेहरे पर, फ्राउनिंग वो सिग्नल्स रहती है। कहने का बार कि भगवान ने इतना अनमोल जीवन दिया, जो हमारी पोटेंशियल है, हमारी रियल आइडेंटिटी है, उस रियल आइडेंटिटी से हम कितना दूर हो गए। इसलिए कहा जाता आत्मा का सत्य स्वरूप क्या है, तो कहा सत चित आनंद स्वरूप। सत्य, उसका जो सत्य स्वरूप है आनंद है, उसकी चैतन्यता की अभिव्यक्ति आनंद से है, खुशी से है। वी आर लिविंग बीइंग्स, ये लिविंग बीइंग्स की अभिव्यक्ति आनंद से है। लेकिन आज ये आनंद नहीं तो क्या कहते हैं, जिंदा लाश है, जिंदा लाश है, चल फिर रहे हैं, खुशी नहीं, आनंद नहीं, जिंदा लाश है। तो मनुष्य की चैतन्यता की अभिव्यक्ति आनंद से ही होती है, ये उसका वास्तविक स्वरूप है, ये उसकी रियल आइडेंटिटी है। और जहां ये छह बात है वहां जीवन की सर्वोच्च विल पावर, स्ट्रॉन्ग विल पावर हमारे अंदर आता है। क्योंकि ये छह गुण नहीं है, ये छह शक्ति है, पावर ऑफ नॉलेज या पावर ऑफ विजडम, पावर ऑफ प्योरिटी, पावर ऑफ लव, पावर ऑफ पीस, पावर ऑफ हैप्पीनेस, ये सारे पावर्स है, तब विल पावर आता है। अगर ये सारे पावर्स ही नहीं है तो विल पावर की भी बैटरी डिस्चार्ज हो गई, कॉन्फिडेंस लेवल भी खत्म होने लगा है, क्योंकि हम अपनी वास्तविकता में जीना भूल गए हैं, अपनी वास्तविकता से बहुत दूर चले गए हैं। इसीलिए ये मिस्ट्री कहा गया कि सॉल्व दिस फर्स्ट मिस्ट्री ऑफ लाइफ, हु एम आई। ये मिस्ट्री को जो सुलझाता है वो जीवन में खुश रहना जानता है, वो जीवन में इस पोटेंशियल के साथ काम करना जानता है, शांति, प्रेम, आनंद, खुशी, शक्ति, अंडरस्टैंडिंग, उससे जीना जानता है। तब भगवान ने अर्जुन को कहा, स्वधर्म को देख करके भी तू भय करने योग्य नहीं है। पीपल ऑलवेज फियर व्हेन दे डू नॉट हैव दिस पावर्स। पावर नहीं, शक्ति नहीं तो भय, शक्ति का अभाव ही भय क्रिएट करता है। इसीलिए कहा जहां आत्मा के इतना गुण धर्म है, हर चीज का गुण धर्म होता है, पानी का गुण धर्म है शीतलता, अग्नि का गुण धर्म है गर्मी, पानी को कितना भी उबालो, उबाल उबाल करके बाफ बन जाए, उसको रख दो, थोड़ी देर के बाद उसके गुण धर्म में आ जाएगा। यह मानो पानी गर्म किया हो और गर्म पानी है, लेकिन कहां आग लगी और आपके पास और कोई सोर्स नहीं, गर्म पानी है, तो गर्म पानी डालने से भी वो आग बुझ जाती है। वो अपना गुण धर्म नहीं छोड़ता है, वो अपना गुण धर्म नहीं छोड़ता है। भले गर्म पानी है तो आग को भड़का देगा, ऐसा नहीं करेगा, वो शांत ही कर देगा। तो इसी तरह भगवान अर्जुन को कहते हैं, जहां तुम्हारे पास इतनी पोटेंशियल है तो ये पोटेंशियल को देखते हुए भी तुम भय करने योग्य नहीं है।
क्योंकि जीवन का जो संघर्ष है इन्हीं गुणों के आधार से तुम्हें करना है, और जब इन्हीं गुणों के आधार से तुम करोगे ये जीवन का संघर्ष, तो हर संघर्ष में विजयी होंगे, कीर्ति प्राप्त करोगे, और कीर्ति के साथ साथ उस जीवन को जीने का एक आनंद भी प्राप्त करोगे। इसीलिए गुण धर्म की बात है, स्वधर्म माना गुण धर्म, आत्मा के गुण धर्म। तभी गीता में कहा कि स्वधर्म सुख का आधार है, पर धर्म दुख का कारण है। पर धर्म यानी ये सात गुणों से पर, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या और नफरत, ये अवगुण, ये पर धर्म है, ये मेरा धर्म नहीं है। आप देखो, आप कंफर्टेबल कब फील करते हैं, गुस्सा करने के बाद कंफर्टेबल फील करते कि ये रिलैक्स जब है तब कंफर्टेबल फील करते हो, रिलैक्स, ये मेरा गुण धर्म है। आप प्रेम स्वरूप हैं तब कंफर्टेबल फील करते हैं, या जब स्वार्थ युक्त होते हैं तब कंफर्टेबल फील करते हैं? कभी नहीं। स्वार्थ से कोई चीज हासिल कर लेंगे लेकिन उसके बाद आपका मन कहीं ना कहीं कचोटता रहेगा, आप कंफर्टेबल फील नहीं कर सकते। तो इसीलिए देखा गया पर धर्म दुख का कारण है, स्वधर्म सुख का आधार है। ये सात गुण ये सुख का आधार है, और पर धर्म यानी ये सात से विपरीत अवगुण जो हमारी प्रभा को कम करता है ये दुख का कारण है, और ये हमारी प्रभा को विकसित करता है, ये सात गुण। लेकिन तब कई बार दुनिया में लोग हमें क्या कहते हैं, बहन जी अगर हम अपने गुण धर्म से चले, लेकिन दुनिया तो पर धर्म के वश ही चलती है, तो हम अपना ओरा बढ़ा के भी क्या करेंगे, लोग हमारा ओरा भी बहुत जल्दी क्षीण कर देते, तो बैटरी चार्ज करने का कोई फायदा? ये सात गुणों से बैटरी चार्ज करना है। कैसे चार्ज करेंगे बैटरी को? ये सात गुणों से स्वधर्म की बैटरी को चार्ज करना है, क्योंकि तभी हम जीवन का संघर्ष बहुत सरलता से सहजता से कर सकेंगे। अब ये बैटरी चार्ज कैसे करें, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? परमात्मा से जोड़ने से। परमात्मा तो दूर की बात है, अपने आप में चार्ज करना है तो कैसे करेंगे? एक गाड़ी की बैटरी को चार्ज रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? गाड़ी की बैटरी, कार आपके घर में लाए आप, उस कार की बैटरी को चार्ज रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? गाड़ी को चलाते रहना पड़ेगा, सिंपल। जितनी चलेगी बैटरी चार्ज रहेगी। लाकर खड़ा कर दिया गैराज में, साल दो साल चलाओ ही नहीं, बैटरी डिस्चार्ज हो जाएंगी। आत्मा की बैटरी को चार्ज रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये सात गुणों की ऊर्जा को चलाओ जीवन में, व्यवहार में, कर्म में। लेट द एनर्जी फ्लो, डोंट होल्ड द एनर्जी। जहां होल्ड किया उसको वहां नुकसान करेगा। लेट द एनर्जी फ्लो, बैटरी चार्ज रहेगी, सिंपल टेक्निक है। उसको व्यवहार में चलने दो, रिश्तों में चलने दो, अपने कर्म में उसको चलने दो। लेट दैट एनर्जी फ्लो, तो बैटरी चार्ज रहेगी। इसीलिए कहा जाता है ज्ञान बांटने से बढ़ता है, प्यार बांटने से बढ़ता है, है ना, सुख बांटने से बढ़ता है, खुशी बांटने से बढ़ती है। कहते हैं ना, जितना बांटो बढ़ती जाएंगी बैटरी, चार्ज होती जाएंगी। लेकिन आज की दुनिया में लोगों ने क्या कर दिया, बांटना नहीं है, अपेक्षा रखनी है। ये व्यक्ति मुझे प्यार दे, ये व्यक्ति मुझे सुख दे, ये व्यक्ति मुझे शांति दे, ये व्यक्ति मुझे खुशी दे, अपेक्षा चालू कर दी। इसलिए हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो गई। और अपेक्षा रखने से प्राप्त हुई नहीं हुई? क्यों नहीं हुई? क्योंकि जैसे मेरी बैटरी डिस्चार्ज है तभी तो मैं अपेक्षा रखती हूँ दूसरे से, तो उसकी बैटरी भी तो डिस्चार्ज है। अब डिस्चार्ज बैटरी को चार्ज करेगी क्या?
सिंपल सिंपल लॉजिक है, साइंस है। इसीलिए अपेक्षा रखने से प्राप्त नहीं होती, बांटने से बढ़ती है। ये यूनिवर्सल लॉ है और ये सिद्धांत गीता हमें सिखाती है, बांटो बढ़ता जाएगा, बांटते जाओ बढ़ता जाएगा। देखो इस दुनिया के अंदर, ये जीवन जीने की कला है, इस दुनिया के अंदर हर चीज दे रही है, हर चीज दे रही, प्रकृति के पांचों तत्व दे रहे हैं। इसलिए तो देवता कहा उसको, अग्नि देवता, वायु देवता, सूर्य देवता, जल देवता कहते हैं ना, इंद्र देवता, ये सब दे रहे हैं। वृक्ष फल दे रहे हैं, बादल पानी दे रहे हैं, सूर्य रोशनी दे रहा है, वहां तक कि जो मैन मेड चीजें हैं वो भी दे रही है। जिस सोफा पर आप बैठे हैं आपको आराम दे रही है, लाइट दे रहा है, फैन हमें दे रहा है, ये माइक दे रहा है, सब कुछ दे रहा है सिवाय मनुष्य के। मनुष्य ले रहा है, ले रहा है, ले रहा है। ये सब देवता बन गए, हम लेवता बन गए। और जब से लेवता की वृत्ति हो गई ना, तब से दुखी हो गए हैं। आज यहां से एक ही बात ये गीता से सीख करके हम जाएं कि और कुछ नहीं, हम भी देना शुरू करें, देवता बने। आज के बाद लेवता बनने के बजाय, मैं कोई चीज वस्तु देने की बात नहीं कर रही हूं, किसी को सम्मान दे सकते हैं, किसी को सहयोग दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं क्या? दे सकते, नहीं दे सकते? आप किसी को मोटिवेट के दो शब्द दे सकते हैं, दे सकते हैं? जैसे ही आप देना शुरू करेंगे, कुछ ना कुछ संकल्प कर लो कि आज से मुझे भी अपनी लाइफ में देने का काम करना है। उसके बाद अपनी जीवन की क्वालिटी को देखो कैसी हो जाती है। देने के बाद आपको खुशी मिलती है, दुख मिलता है, क्या मिलेगा? खुशी मिलेगी। यही तो जीवन जीने की कला है, यही तो गीता हमें सिखा रही है कि जीवन का संघर्ष कैसे करना है। देना आरंभ करो, देवता बनने लगो। लेवता बनेंगे दुखी ही रहेंगे, देवता बनना शुरू करो, खुशी मिलेगी आपको। बन सकेंगे देवता? बन सकेंगे देवता या नहीं बन सकेंगे? बन सकेंगे, यहां ही या यहां से जाने के बाद भी? क्या हमेशा के लिए देवता बन करके देखो, कुछ न कुछ देना है किसी को, और कुछ नहीं, शुभ भावना ही दो, शुभ कामना ही दो, दुआएं दो, सहयोग दो, किसी को मोटिवेट करो, देने का काम शुरू करो। देखो कितना अच्छा फीलिंग आती है, पॉजिटिव फीलिंग आती है या नहीं आती है? तो इसीलिए जैसे ही देवता बनने लगेंगे ना, आप देवता बन सकते हैं ना, जो सोचते हैं ना यहां से जाने के बाद भी मैं देवता ही बनूंगा, हाथ तो खड़ो करो देवता बनने वाले, हाथ तो खड़ा करो देवता बनने वाले। वाह, अगर इतने सारे देवता बन जाएंगे तो भारत का तो कल्याण हो ही जाना है। जो भारत का हैप्पीनेस इंडेक्स नीचे गिरा है, इतने सारे अगर देवता बन जाए तो हैप्पीनेस इंडेक्स क्या हो जाएगा? ऊपर आएगा या नहीं आएगा? जरूर आएगा, जहाँ ऐसी विजडम समाई हुई हो गीता के अंदर। इसीलिए कहते हैं ब्रह्मा कुमारी मनुष्य को देवता बनाने का कार्य करती है। अब समझा कैसे देवता बनाते हैं, कैसे देवता बनाते हैं? कोई वो श्रृंगार वाला देवता नहीं, लेकिन मानवता वाला देवता, इंसान का रूपी देवता तो बन जाए। जैसे वो कहानी एक याद आती है कि एक बार एक व्यक्ति को बहुत प्यास लगी थी, तो एक दुकान के पास जाकर उसने कहा पानी चाहिए, पानी चाहिए। तो कहा ठहरो, देते हैं देते हैं। फिर उसने थोड़ी देर के बाद कहा भाई बहुत प्यास लगी, थोड़ा पानी तो दे दो। तो उसने कहा अभी आदमी आता है, वो देगा आपको पानी। तो कहा थोड़ी देर के लिए तू ही आदमी बन जा, तू ही आदमी बन जा ना। हम आदमी से भी कैसे
नीचे की ओर जाते रहे कि आदमी भी नहीं बन पाए, कि आदमी आने का इंतजार करते हैं। और इसीलिए आज जीवन की क्वालिटी हमारी क्या हो गई है। तो लेने की भावना के बजाय देने की भावना जिस दिन से अंदर में इंस्टिल्ड हो जाएंगी, जीवन की क्वालिटी ही बदल जाएंगी, बहुत सुंदर जीवन हो जाएंगे, देवता बन जाएंगे। और ईश्वर को भी कौन पसंद है? देवता ही तो पसंद है। देखो, हाथ देने वाले का हाथ ऊपर रहता है, लेने वाले का हाथ नीचे रहता है। क्या बनना चाहते हैं, ऊपर हाथ वाला या नीचे हाथ वाला, क्या बनना चाहते हैं? तो इसलिए कहा देवता बनो। ठीक है, यहाँ से इतना तो बन करके जाएंगे ना, और इतने सारे देवता अगर इस फैक्ट्री से निकले, प्रोड्यूस हो गए, तो फिर तो कहना ही क्या है ना। कई बार कई लोग कहते हैं हम देवता बनेंगे तो क्या होगा, दुनिया तो सारी डिस्चार्ज बैटरी वाली है, हम यहाँ से निकल करके जाएंगे वो हमारी बैटरी तो बहुत जल्दी डिस्चार्ज कर देंगी, क्या फायदा फिर बैटरी चार्ज करने का और देवता बनने का। लोग एडवांटेज लेना चालू करेंगे। दुनिया में जितने भी लोग महान आत्माएं हो गए, चाहे स्वामी विवेकानंद हो, चाहे महावीर स्वामी हो, महात्मा बुद्ध हो, मदर टेरेसा हो, इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के फाउंडर को हमने देखा, इन सभी महान हस्ती है, और भी जो भी यू कैन थिंक ऑफ, जो भी आपके सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन हो, इन लोगों के जीवन में ऐसी क्या खास बात थी जो आज भी लोगों के लिए आइडियल बन गए, आइडल बन गए? कैसे बन गए, क्या था उनके जीवन के अंदर? ये देवताएं थे, दिव्य आत्माएं उनको कहा। क्यों दिव्य आत्माएं कहा? इनका जीवन अगर देखो आप, स्वधर्म के आधार पर, आध्यात्मिक ज्ञान, पवित्रता, प्रेम, शांति, सुख, आनंद और शक्ति, विल पावर, तो लोगों के लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बन गए। दे वर एबल टू मेक अ डिफरेंस इन द सोसाइटी, किसी ने उनका एडवांटेज नहीं लिया। अच्छा, स्वधर्म के आधार पर जीवन जीने का फायदा क्या? तीन बहुत बड़े फायदे। क्या क्या फायदे हैं? सबसे पहला फायदा, वी आर एबल टू चेंज सिचुएशंस, परिस्थिति को बदल सकते हैं। दूसरा फायदा, हम लोगों की मनोवृत्ति को बदल सकते हैं। और तीसरा फायदा, हम वायुमंडल को बदल सकते हैं। कैसे? स्वामी विवेकानंद के जीवन की बात याद आती है कि स्वामी विवेकानंद जब अमेरिका गए और वहां से जब लौट रहे थे, वाया लंदन होकर के आ रहे थे, वहां उन्हें एक सभा को संबोधित करना था। जब वहां गए तो क्या देखते हैं कि भरी सभा में गीता का अपमान किया है, सबसे नीचे गीता को रख दिया, बाकी सारे शास्त्र ऊपर रखे, टाइप टॉप पर बाइबल को रखा, और भरी सभा में हंसी उड़ाई कि आपकी गीता भी आउटडेटेड है, हमारी बाइबल टॉप पर है। आज की दुनिया का कोई डिस्चार्ज बैटरी वाला वहां होता था तो क्या करता था? कैन यू इमेजिन क्या करता था? हंगामा शुरू कर देता था, मारपीट आरंभ कर देता था, किताबों को फाड़ना चालू कर देता था, और हर न्यूज की हेडलाइंस में आ जाता था कि गीता का अपमान और इतना तोड़ फोड़, इतना मारपीट हो गई। और उसका इंपैक्ट भारत में क्या होता था? इनोसेंट लोग मारे जाते थे। यह डिस्चार्ज बैटरी का कमाल है। परंतु स्वामी विवेकानंद चार्ज बैटरी थे, उन्होंने क्या किया? मुस्कुराए और कहा, आपने जो गीता का सम्मान किया उसका धन्यवाद कैसे करूं? लोग हंसने लगे, इस व्यक्ति को इतना भी समझ नहीं कि हमने सम्मान किया कि अपमान किया। स्वामी विवेकानंद आगे बढ़े, नीचे से गीता को खींचा, सारे शास्त्र गिर गए, कहा आपने तो गीता को फाउंडेशन में रख दिया। अगर गीता को फाउंडेशन से हटाया जाए तो दुनिया का कोई धर्म, कोई शास्त्र टिक नहीं सकता है। द होल सिचुएशन वॉज चेंज्ड। यह है चार्ज बैटरी का कमाल, है ना? यह है स्वधर्म के आधार पर जीने का कमाल। सिचुएशन बदल हो गई। डिस्चार्ज बैटरी वाला
परिस्थिति का शिकार बनता है, दूसरों को भी बनाता है। लेकिन चार्ज बैटरी परिस्थिति को मास्टर कर लेता है। आप लोग क्या चाहते हैं जीवन में? परिस्थिति को मास्टर करना चाहते हैं या उसके शिकार बनना चाहते हैं? मास्टर कैसे करेंगे? चार्ज योरसेल्फ, अपनी बैटरी को ये पोटेंशियल, 7 गुणों की पोटेंशियल से चार्ज करो। यू विल बी एबल टू मास्टर द सिचुएशन, है ना? मास्टर कर लेंगे, अधीन नहीं होंगे, शिकार नहीं होंगे। और इसीलिए आज से समझ लेना कि जो ज्यादा हंगामा करता है, समझ लेना ये सबसे ज्यादा डिस्चार्ज बैटरी है। उस डिस्चार्ज बैटरी के साथ अपना सर खपाना नहीं है, वो आपकी बैटरी भी डिस्चार्ज कर देगा। इसीलिए चार्ज बैटरी रहो, मुस्कुराते रहो, राइट? आप चार्ज बैटरी बन जाओ एंड एम्पावर देम ऑल्सो, एम्पावर देम विथ योर पावर। ये है चार्ज बैटरी। सिचुएशन को तो बदल देते हैं, लोगों के एटीट्यूड बदल गए। जैसे ही स्वामी विवेकानंद वहां से चले, लोग उसके पीछे पीछे चलने लग पड़े। ये कौन व्यक्ति है जिसको गुस्सा नहीं आया? लोगों ने गीता को समझना चाहा उसके बाद कि ऐसी क्या गीता की टीचिंग्स है कि जिसके माध्यम से ये व्यक्ति इतना सेल्फ एम्पावर्ड, स्ट्रॉन्ग विल पावर वाला बन गया, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन हो गया। इसी तरह महावीर स्वामी के जीवन में, वो जहां बैठते थे तपस्या करने के लिए, सारा वायुमंडल चार्ज हो जाता था। हिंसक प्राणी उस वायुमंडल में आ जाते थे, वो भी अपने हिंसक वृत्ति को छोड़कर अहिंसक होकर के पास में हो जाते थे। हम सुनते हैं, ये कहानियां नहीं है। महात्मा बुद्ध के जीवन की बातें हैं। अंगुलीमल नाम का डाकू उसके सामने आया, उसने उसको भी एम्पावर कर दिया। मदर टेरेसा, इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के फाउंडर को हमने देखा। आज देखो, दुनिया में कहा जाता कि 2 बहनें इकट्ठी एक घर में नहीं रह सकती है। आज इस संस्था में समर्पित होकर के 40,000 बहनें सारे भारत भर में हैं। जहां 2 बहनें इकट्ठी एक घर में नहीं रह सकती, आज 40,000 बहनें मिलकर के एक ही फोकस को लेकर के, एक ही लक्ष्य को लेकर के अगर चल रही है सारे विश्व के अंदर, इससे बड़ा आश्चर्य और क्या हो सकता है? ये क्यों? क्योंकि पिताश्री ब्रह्मा बाबा ने खुद की बैटरी को भी चार्ज किया और दूसरों को भी एम्पावर करना सिखाया कि आप भी अपनी बैटरी को चार्ज करो जैसे मैंने किया है। और स्वामी विवेकानंद ये कहते रह गए, मुझे 100 लोग खाली अपने जैसे मिल जाए, 100 युवा मिल जाए, मैं ये भारत का नक्शा बदल दूंगा। लेकिन अफसोस, उस जमाने में उसको 100 लोग नहीं मिले। लेकिन पिताश्री जी ने ये गाइड किया कि जैसे मैंने एम्पावर किया है, अपनी बैटरी को चार्ज किया है, आप लोग भी करो। और ये दुनिया को बदलना है, ये लक्ष्य दे दिया। वी हैव टू ट्रांसफॉर्म आवर सेल्व्स and when I change, the world changes. मेरी कर्मों की सृष्टि बदलने लगती है। हमें दुनिया को बदलने की जरूरत नहीं, इसको बदलूं, इसको बदलूं, इसको बदलूं, बदलने की जरूरत, मैं खुद को तो बदलूं। जब मैं खुद को बदलूंगी तो सब कुछ बदलने लगेगा, है ना? वो एक बार एक पिता अपने कोई काम में बहुत व्यस्त थे और उसका छोटा बच्चा बार बार उसको आकर डिस्टर्ब कर रहा था, बार बार कुछ ना कुछ कर रहा था। पिता ने सोचा कि अब इसको कोई ना कोई बात में बिजी रखना है। तो सामने एक न्यूज़पेपर देखा जिसके ऊपर वर्ल्ड का नक्शा था, फाड़ा और कहा इस वर्ल्ड के नक्शे को जोड़ दो। उसको लगा टाइम लगेगा इसको, तब तक मैं अपना काम पूरा कर लूँ। लेकिन देखा 5 मिनट के अंदर बच्चे ने जोड़ दिया। बड़ा आश्चर्य लगा कि तुमको वर्ल्ड का नक्शा पता था, कौन सा देश कहाँ आता है, कैसे तुमने 5 मिनट में कर दिया? बच्चे ने कहा इस वर्ल्ड के नक्शे के पीछे एक व्यक्ति का चित्र था, मैंने व्यक्ति को जोड़ दिया, नक्शा अपने आप बन गया।
हम भी अपने आप को चेंज करें और अपने आप को चेंज करके देखें, अपनी कर्मों की सृष्टि बदलने लगेगी और हम दूसरों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बन जाएंगे, दूसरे हमसे इंस्पिरेशन लेकर अपने आप बदलना शुरू करेंगे। बाकी किसी को बदलने जाएंगे, किसी को बदल नहीं पाएंगे, और उसमें जो फ्रस्ट्रेशन क्रिएट होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। इसलिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हम ले सकते हैं, यही गीता हमें सिखाती है। और इसीलिए कहा भगवान ने अर्जुन को, हे अर्जुन, स्वधर्म को देख करके भी तुम भय करने योग्य नहीं है। तुम दूसरे को चेंज नहीं करो, तुम अपने स्वधर्म के आधार पर जीना आरंभ करो। ये जीवन का संघर्ष उसी के आधार पर करना आरंभ करो, भय करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यही धर्म युक्त युद्ध से बढ़कर अन्य कोई परम कल्याणकारी मार्ग ही नहीं है। इससे श्रेष्ठ मार्ग, व्हेन आई चेंज, व्हेन आई चार्ज माय बैटरी, उससे श्रेष्ठ मार्ग दूसरा कोई है ही नहीं। किंतु यदि तुमने ये नहीं किया तो क्या होगा, कीर्ति को भी खोएगा, धर्म युक्त युद्ध भी नहीं कर पाएगा, हर युद्ध में हार जाएगा, कीर्ति को भी खोएगा और स्वधर्म को भी खो देगा, है ना। और तुम इतना निर्बल हो जाओगे, स्वधर्म माना बैटरी डिस्चार्ज हो गई, तो इतना निर्बल हो जाओगे कि हर बार हर परिस्थिति का शिकार बनते जाएंगे। आज व्यक्ति के अंदर फिजिकल इम्यूनिटी कम हो जाती है तो क्या होता है, हर वायरस उसको अटैक करता है, हर रोग का शिकार बनता जाता है। लेकिन अगर फिजिकल इम्यूनिटी हाई है तो कैसे भी वातावरण में चले जाए, कोई वातावरण उसको प्रभावित करने वाले नहीं। ये गीता ज्ञान है। इसलिए भगवान कहते आत्मिक संपत्ति ही स्थिर संपत्ति है। यह ज्ञान योग सांख्य सिद्धांत अनुसार, ये सांख्य योग है, ये वास्तविक नॉलेज है, ये विजडम भगवान देते हैं। और फिर उसके बाद कर्म योग, 53वें श्लोक से आगे कर्म योग का ज्ञान देते हैं और कहते हैं, हे अर्जुन, यदि तुम युद्ध में मरोगे, यानी जीवन का संघर्ष करते करते मर भी गए, तो भी तुम स्वर्ग में राज्य को प्राप्त करोगे। और युद्ध में जीतोगे, जीवन के संघर्ष में जीत गए, तो पृथ्वी पर स्वराज्य भोगोगे। जैसे ये महान हस्तियों ने भोगा पृथ्वी पर स्वराज्य, स्वामी विवेकानंद, महावीर स्वामी, महात्मा बुद्ध, पृथ्वी पर स्वराज्य भोगोगे। आज दिन तक वो स्वराज्य भोग रहे हैं। तो वास्तव में ये संघर्ष, ये युद्ध आसुरी और दैवी संस्कारों के बीच में चलता है। यदि कोई व्यक्ति अपने आसुरी संस्कारों को जीत लेता है तो वह स्वर्ग में भी देव पद को ही प्राप्त करेगा। इतनी उच्च प्राप्ति इससे होती है। इसलिए भगवान कहते सात्विक प्रकृति को लेकर के जियो। फिर आगे कर्म का आधार और विशेषताएं बताते हैं भगवान, और बहुत सुंदर बात कहते हैं और कहा, इस कर्म के द्वारा, इस कर्म माना ये सातों गुणों के आधार पर, स्वधर्म के आधार पर जब व्यक्ति कर्म का करेगा तो कर्मों के बंधन से छूट जाएगा। कर्म का बंधन कैसे बनता है, जब वैल्यूज के बजाय अवगुणों को लेकर के चलते हैं तो बंधन क्रिएट होता है। बंधन से मुक्त होना है तो सिंपल टेक्निक है, तुम वैल्यूज को लेकर के चलो, स्वधर्म को लेकर के चलो, हर कर्म का आचरण स्वधर्म के आधार पर करो तो तुम कर्मों के बंधन से छूट जाएगा। बंधना चाहते हैं, छूटना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं जीवन में, बंधना चाहते हैं, छूटना चाहते हैं। हर इंसान फ्रीडम चाहता है, लेकिन आज हर इंसान बंधन वाला जीवन जी रहा है। क्यों? क्योंकि अवगुण पर धर्म के वश है, इसलिए बंधन क्रिएट ही होता जाता है। और इतने कॉम्प्लिकेटेड जीवन को अपना लिया है, जीवन शैली को अपना लिया, कि अब उसमें से बाहर आना उसको मुश्किल लग रहा है। लेकिन जब यह स्वधर्म को लेकर के जिएगा, कर्म करेगा, तो हर कर्म उसको कर्म बंधन से मुक्त करता जाएगा। इसलिए कर्म बंधन मुक्त जीवन चाहते हैं। फिर आगे भगवान कहते हैं,
इसमें बीज का नाश नहीं है और प्रकृति के पास भी कोई उपाय नहीं कि उसको नष्ट कर सके। इतना पावरफुल ये स्वधर्म के आधार पर जब कर्म करता है व्यक्ति, तो इतना पावरफुल कर्म है कि इसमें बीज का नाश नहीं होता है और प्रकृति के पास भी कोई उपाय नहीं उसको नष्ट करने का। तीसरा कहा, इस कर्म से संपादित धर्म, धर्म यानी इस कर्म से संपादित पुण्य, जो पुण्य अर्जित करता है व्यक्ति, जिसको धर्म कहा, जो वैल्यूज को अर्जित करता है, वो जन्म मृत्यु रूपी महान भय से भी उद्धार करने वाला है। आज मनुष्य को जीवन में सबसे बड़ा भय कौन सा है? द ग्रेटेस्ट फियर कौन सा है लाइफ में? मृत्यु का भय। क्यों? क्योंकि हर इंसान जानता है कि मैंने जीवन पर्यंत इतने अच्छे कर्म नहीं किए हैं, जितने बुरे कर्म किए हैं, ये हर कोई जानता है, अपनी लाइफ हिस्ट्री को तो जानते ही है। और इसीलिए जब अच्छे कर्म नहीं हुए हैं, तो अगर मृत्यु का नाम लिया तो व्यक्ति भयभीत हो जाता है कि पता नहीं अब यहां से जाने के बाद कौन सा जन्म मिलेगा, कैसा जन्म मिलेगा, मालूम नहीं। और वो क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी होगी, वहां सुख मिलेगा, दुख मिलेगा। इसीलिए व्यक्ति को मृत्यु का सबसे बड़ा डर होता है। डॉक्टर के पास भी जाता है तो यही कहता है, डॉक्टर साहब मैं मरना नहीं चाहता हूं, मरना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि यहां फिर भी सुख सुविधा तो है, तो सुख सुविधा के माध्यम से भले मैं थोड़ा सहन कर लूंगा, लेकिन मरना नहीं चाहता, इसलिए मृत्यु का भय। लेकिन यह स्वधर्म के आधार पर किए गए कर्म इतने पावरफुल है कि अगर इसमें शरीर छोड़ना भी पड़े तो मालूम है कि इससे भी अच्छी क्वालिटी का जन्म मिलेगा, बहुत अच्छा मिलेगा। तो जन्म मृत्यु रूपी भय से भी उद्धार करने वाला है। नो टेंशन, यहां से जाएंगे और अच्छे घर में जाएंगे और अच्छी परवरिश में पलेंगे, वो संस्कार लेकर के जाएंगे, वो प्रकृति के साथ जिएंगे, वहां भी औरों को इंस्पायर करेंगे, तो कितना अच्छा। तो मृत्यु का भय होगा, लेकिन इसमें एक बात है, सिर्फ निश्चयात्मक बुद्धि होकर कर्म करने की आवश्यकता है। संशय बुद्धि नहीं हो जाओ, पता नहीं मैंने ऐसा किया तो क्या होगा, उसने क्या कहा, उसने क्या किया, वो क्या कहेगा, वो, डोंट डाउट। फेथ के साथ आगे बढ़ो, उस फेथ, अपने में फेथ रखते हुए आगे बढ़ो। स्वधर्म के आधार पर जो कर्म करेंगे उसमें जब फेथ आ जाती है, विश्वास आ जाता है, निश्चय बैठ जाता है, तो और भी अच्छा ही होगा। ये कर्म योग भगवान सिखाता है अर्जुन को। एक बार मेरा एक कार्यक्रम था कहीं पर, और उस कार्यक्रम में विषय था राजयोग। तो हमारे साथ स्टेज पर एक महानुभव बैठे थे, वो खड़े हुए प्रवचन करने के लिए, अपना भाषण करने के लिए, उन्होंने कहा कि भगवान ने हमें कर्म योगी बनाया है, राजयोग से हमारा कोई वास्ता नहीं है, और कर्म योगी बनाया है, हम अपना कर्म निष्ठा से करते हैं, हम अपना कर्म एक्यूरेट करते हैं, अपने बच्चों की परवरिश अच्छी करते हैं, अपने परिवार को अच्छी तरह से पालते हैं, अच्छे संस्कार, ये कर्म हम अपना निष्ठा से करते हैं और उसमें हम खुश हैं। ऐसा बोल करके वो तो बैठ गए, लेकिन उसकी बात ने मुझे इतना मजबूर किया कि क्या यही कर्म योग है। और तब मैंने गीता को पढ़ना चालू किया, क्योंकि अगर यही कर्म योग गीता में है, फिर तो आज पशु पक्षी भी अपना कर्तव्य निष्ठा से कर रहे हैं, एक कुत्ता भी अपना कर्तव्य निष्ठा से करता है, अपने बच्चे को पालता है, उसको भी सिखाता है, एक पक्षी भी अपने बच्चे को पालते हैं, दाना लेकर आते हैं, उसके लिए खुराक लाते हैं, उसकी परवरिश करते हैं, उसको उड़ना सिखाते हैं, तो क्या वो भी कर्म योगी हो गए? क्या यही कर्म योग की परिभाषा है?
तब मैंने गीता को पढ़ना चालू किया और तब मुझे समझ में आया कि कर्म योग किसको कहा, कि स्वधर्म के आधार पर व्यक्ति जब कर्म करता है उसको कहा जाता कर्म योगी बनना, नहीं तो कर्म भोगी बनता है, यानी हर कर्म भोगना का अनुभव कराएगा। क्योंकि अगर पर धर्म के आधार पर कर्म किया, वैल्यूज के बजाय अवगुणों को लेकर के कर्म किया, तो वो कर्म भोगना का अनुभव कराएगा या प्राप्ति का अनुभव कराएगा? दुख की भोगना का अनुभव कराएगा। तो भगवान ने जो गीता में कर्म योग दूसरे अध्याय में ही अर्जुन को सिखाया कि जो आत्मा के सातों गुण है, जो स्वधर्म है, उस स्वधर्म को प्रैक्टिकली कर्म में अप्लाई करना शुरू करो, ये कर्म योग कितना पावरफुल है ये बताया। तो कर्म योग की परिभाषा खाली कर्तव्य करना, अपने परिवार को पालना, उसको नहीं कहा जाता है, वो तो कैसे भी लोग कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद जो फल की प्राप्ति होगी वो भोगना होगी या प्राप्ति होगी, ये हमें डिसाइड कर लेना है कि कौन सी प्राप्ति करना चाहते हैं। तब गीता का एक फेमस श्लोक आता है इसके बाद, और वो श्लोक क्या है, हे अर्जुन कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। कर्म करने पर तेरा अधिकार है, फल पर नहीं, इसलिए कहा कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। लेकिन आजकल तो हर कोई पहले फल की चिंता करता है। एक छोटे बच्चे को भी आप कहो पानी का ग्लास ले आओ तो वो भी अपने माँ बाप से पूछेगा क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, क्या देंगे जो मैं ये पानी का ग्लास ला करके दूं, और अगर कुछ इंसेंटिव उसको दो तो वो पानी का ग्लास भी लेकर के आएगा। तो आजकल तो हर कोई फल की चिंता पहले करता है, फिर ये गीता का श्लोक रिवर्स हो गया। इसीलिए भगवान ने जीवन जीने की कला में कहा कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। क्यों नहीं करना है, अब उसका रहस्य समझो। उसका रहस्य ये है कि जो कर्म करेगा फल उसकी परछाई बन जाता है। जिस तरह व्यक्ति अपने आप को परछाई से अलग नहीं कर सकता है, जैसे जैसे चलता है परछाई उसके साथ साथ चलती ही है, ऐसे मनुष्य जो कर्म करेगा फल उसकी परछाई है, इसलिए इनसेपरेबल है वो। अच्छा करेंगे तो अच्छा ही मिलेगा, बुरा करेंगे तो बुरा ही मिलेगा, इट्स इनसेपरेबल। इसलिए भगवान अर्जुन को कहते तू फल की चिंता मत कर, कर्म पर फोकस कर, और जब कर्म पर फोकस करेंगे, कर्म अच्छा होगा तो फल तो अच्छा ही है, तो फल की चिंता क्यों करता है। डोंट फोकस ऑन द फ्रूट्स, फोकस ऑन द कर्म। कर्म की क्वालिटी क्या है उस पर फोकस करो। स्वधर्म के आधार पर कर्म है, लेकिन तब कई बार कई लोग हमें क्या कहते, बहन जी आज की दुनिया के अंदर जो बुरा कर्म करने वाला है वो तो मौज करता है, अच्छा कर्म करने वाला वो दुख भोगता है। तो इसीलिए व्यक्ति किस ओर प्रेरित होगा, बुरे कर्म की ओर ही प्रेरित होगा। एक कहानी मुझे याद आती है, एक बार दो व्यक्ति रास्ते से जा रहे थे, एक व्यक्ति बड़ा ईमानदार था, दूसरा बड़ा बेईमान था, दोनों के आपस में कोई पहचान नहीं थी, दोनों अपने अपने रास्ते जा रहे थे चलते हुए, लेकिन जैसे ही आगे बढ़े तो रास्ते के बीचों बीच एक बटवा पड़ा था। तो बेईमान जो था तुरंत जाता है, उस बटवे को उठाता है और देखता है उसमें 1,000 रुपया पड़ा है, बड़ा खुश हो गया, तो बिना मेहनत के ही पैसे मिल गए। लेकिन फिर उसके मन में आया इसने भी देखा तो ऑफर करनी चाहिए कि भाई दोनों ने देखा तो जो उसमें माल है आधा आधा बांट लेते हैं। तो उसने ईमानदार से कहा कि देख भाई ये बटवे के अंदर 1,000 रुपया पड़ा है, आप 500 रख लो, मैं 500, क्योंकि हम दोनों ने देखा तो 500-500 कर लेते हैं। अब वो तो बड़ा ईमानदार था, उसने कहा कि देख भाई जिस व्यक्ति का ये बटवा होगा अंदर एड्रेस तो जरूर होगा,
अगर उसको देके आएंगे खुश हो जाएंगे, दुआएं देंगे। तो बेईमान ने कहा कि देख भाई, पहली बात तो इसमें एड्रेस है नहीं, अगर होता था तो भी मैं देने वाला नहीं था। कहा क्यों? तो कहा इसलिए कि अगर उसके नसीब में होता था ना तो गिरता ही नहीं था, और गिरने के बाद यहां से पहला नंबर हम ही जा रहे हैं, इसका मतलब ये हमारे नसीब का है तो उसको प्रसाद मान के स्वीकार कर लेना चाहिए। अब उसको ढूंढने का ये टाइम वेस्ट है। क्या तुम नहीं ढूंढ सकते? हम पुलिस वालों को दे देते, उसने कंप्लेन लिखाई होगी। क्या लेकिन अगर उसके नसीब में ही नहीं होगा तो पहुंचेगा ही नहीं। तो बेईमान ने जब ये बात कही तो ईमानदार ने कहा कि देख भाई, मुझे तो नहीं चाहिए, तुम्हें चाहिए, तुम पूरा रख लो। कहा ठीक है, मैं तो पूरा रखने के लिए तैयार हूं। बड़ा खुश हो गया, अपने जेब में डाल दिए पूरे 1000 के 1000, और अपने नसीब का है प्रसाद मान के स्वीकार कर लिया उसने। जैसे ही थोड़ा आगे बढ़े तो जो ईमानदार था उसको पैरों में इतना जोर से कांटा लगा कि खून निकलने लगा। तो बेईमान उस वक्त उसको कहता है, बड़ी ईमानदारी की बातें कर रहा था ना, तभी ये कांटे लगते हैं। बेईमानी के राह पर चलो, पर्स मिलेगा। अब उसी समय ऊपर से कुछ देवताएं गुजर रहे थे। देवताओं ने जब ये बात सुनी तो कह रहे, क्या बात है, ये तो कलयुग के अंदर। सब मिलकर के भगवान के पास गए और भगवान से कहा, भगवान ये चित्रगुप्त कुछ गड़बड़ कर रहा है। कहा क्या बात है? तो कहा कि ये दो व्यक्ति जो है ना नीचे, एक बड़ा बेईमान है, एक बड़ा ईमानदार है। बेईमान को पर्स मिल रहा है और ईमानदार को कांटे लग रहा है। होना उल्टा चाहिए कि ईमानदार को पर्स मिलना चाहिए, बेईमान को कांटा लगना चाहिए, उल्टा हो रहा है। चित्रगुप्त जरूर कुछ गड़बड़ कर रहा है। भगवान ने कहा ऐसा तो हो नहीं सकता कि चित्रगुप्त गड़बड़ करे, लेकिन फिर भी अगर आपकी तसल्ली के लिए मैं चित्रगुप्त को बुलाता हूँ। चित्रगुप्त को बुलवाया और कहा कि भाई ये दोनों व्यक्ति का अकाउंट लेकर के आओ। दोनों व्यक्ति का अकाउंट लेकर के आया तो देखा कि जो बेईमान था वो पहले बड़ा ईमानदार था। इसलिए पिछला रिकॉर्ड चेक किया तो बड़ा ईमानदार था, और उसकी ईमानदारी के फल स्वरूप उसको इतनी बड़ी प्राप्ति होने वाली थी, एक बड़ी लॉटरी लगने वाली थी, करोड़ों रुपया प्राप्त होने वाले थे। लेकिन वो प्राप्ति के पहले लास्ट टेस्ट उसको देनी पड़ी, और उस समय उसने सोचा ये ईमानदारी के पथ पर चलने से कुछ नहीं मिलने वाला है, और वहां से उसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर लिया, बेईमानी का रास्ता अपना लिया। वो सारी प्राप्ति क्षीण होते 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 खाली 1000 रुपया बचा था। ईमानदारी का फल खाली 1000 रुपया बचा था जो उसको मिल गया, और उसी में वो खुश हो गया। लेकिन अगर उसको पता चले कि उसके नसीब में क्या था तो शायद वो अफसोस करता कि बेईमानी का रास्ता मैंने क्यों अपनाया। और जो ईमानदार था वो पहले बड़ा बेईमान था, और उसकी बेईमानी के फल स्वरूप उसको बहुत बड़ी कठोर से कठोर सजा प्राप्त होने वाली थी, इतने दुख दर्द की भोगना मिलने वाली थी। लेकिन वो भोगना देने से पहले लास्ट चांस सुधरने का मिलता ही है। इसलिए कहावत है, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। और वो लास्ट चांस सुधरने का मिला, और वहां से उसने उस अपॉर्चुनिटी को ले लिया, सुधर गया, ईमानदारी के रास्ते पर आ गया, और वो सारी कठोर भोगना जो थी वो भी क्षीण होते 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 सिर्फ एक कांटा चुभने जितना ही सजा रहा हुआ था, इतना ही खाता उसका बचा था। जो बेईमानी वाला खाता उतना ही बचा था। ईमानदारी का फल तो भी बाकी है, इसी तरह बेईमानी का फल उसका बाकी है, ईमानदारी का खाली 1000 रुपया ही बचा हुआ था। जब देवताओं ने ये देखा तो देवताओं ने भगवान से पूछा कि भगवान एक बात बताओ, इतने करोड़ों मनुष्य है, ये चित्रगुप्त हरेक का हिसाब किताब इतना एक्यूरेट कैसे रख सकता है?
एक नाम वाले कितने लोग होते तो भी गड़बड़ नहीं हो सकती है। भगवान ने कहा उसका नाम ही है चित्रगुप्त, गुप्त, चित्रगुप्त। कि जब मनुष्य का जन्म होता है ना इस संसार में, जब आते हैं तो गुप्त रीति से अंदर एक कैमरा फीड कर देता है। हर इंसान के अंदर एक कैमरा लगाया हुआ है जो स्टिंग ऑपरेशन करता रहता है, स्टिंग ऑपरेशन करता जाता है। क्या भावना है, किस तरह की भावना है, क्या कर्म है, हर बात का स्टिंग ऑपरेशन होता है। और लास्ट में जब व्यक्ति शरीर छोड़कर ऊपर आता है तो वो उस समय वो कैमरा निकाल करके सारी रील उसके सामने खड़ा कि अब कहाँ बताओ, नहीं तो मनुष्य ऐसा प्राणी है कर्म करने के बाद ऊपर जाकर कहेगा मैंने नहीं किया, झूठ बोलने में बड़ा होशियार है, कहेगा मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया। इसलिए स्टिंग ऑपरेशन करना जरूरी है उसका। तो चित्र गुप्त, हर कर्म का गुप्त चित्र निकालता जाता है और तब उसका फल भी निश्चित हो जाता है। तब मनुष्य ने पूछा कि हे भगवान, इतना तो बता दो वो कैमरा कहाँ रखा हुआ है चित्रगुप्त ने। भगवान ने कहा अगर वो बता दिया जाए तो मनुष्य सबसे पहला काम क्या करेगा, ऑपरेशन करवा के कैमरा ही निकलवा देगा। इसलिए चित्रगुप्त, गुप्त रीति से याद रखना, हर कर्म का गुप्त चित्र निकलता जा रहा है, अच्छा कर्म का भी और बुरे कर्म का भी। और इसीलिए कर्म किए जा फल की चिंता मत कर, मिलना ही है, वो तो परछाई है कि नहीं, इसलिए मिलना ही है। फिर आगे भगवान कहते हैं बस दो बातों से सावधान रहना, कर्म करते समय आसक्ति और संग दोष को त्याग कर सिद्धि असिद्धि में समान भाव रखकर योग में स्थित होकर निष्काम कर्म कर। ये समत्व भाव, ये बैलेंस, यही तो योग है। योग का मतलब क्या है, योग मीन्स बैलेंस इन लाइफ, जीवन के अंदर संतुलन, समत्व भाव, उसी का नाम योग है। आसक्ति और संग दोष में जब व्यक्ति आ जाता, उसके प्रभाव में जब आ जाता है तो इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है लाइफ में। और फिर आगे बताया समत्व बुद्धि के साथ कर्मों का आचरण कौशल ही योग है। योग का प्रमाण क्या, जो कर्म व्यक्ति कर रहा है, निष्काम कर्म कर रहा है, ये समत्व भाव से कर रहा है, उसका प्रमाण क्या, कौशल। वो कर्म के अंदर एफिशिएंसी होती है, इतना एफिशिएंट कर्म होता है, इतना सुंदर कर्म होता है वो। तो समत्व बुद्धि के साथ, बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड के साथ जो व्यक्ति कर्म का आचरण करता है उसके जीवन के अंदर कुशलता, यही तो योग है। यह स्पष्ट करता है यही योग है। और इसीलिए भगवान आगे कहते हैं ये विचलित बुद्धि जिस समय समाधि में स्थिर हो जाएगी तब तुम योग की पराकाष्ठा के फल अमृत पद को प्राप्त कर लेगा। जीवन के अंदर अमृत पद की प्राप्ति हो जाएगी, इतना सुंदर वो जीवन हो जाएगा। विचलित बुद्धि, जो हमारी बुद्धि भटक रही है, वो स्थिर हो जाएगी, शांत हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगी। और फिर 54वें श्लोक से लेकर के स्थिर बुद्धि पुरुष के लक्षण, स्थित प्रज्ञ किसको कहा जाता है, तो भगवान कहते हैं जब मनुष्य मन में स्थित संपूर्ण आसक्तियों को त्याग देता है तब वह आत्म से ही आत्मा में संतुष्ट हुआ स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। ऐसा आत्मतृप्त महापुरुष ही स्थित प्रज्ञ है। आत्मतृप्ति, आत्मसंतुष्टि, जब स्वधर्म के आधार पर कर्म करेंगे तो उसका फल क्या है, आत्मसंतुष्टि। वो विचलित नहीं होता है, वो संतुष्ट होता है और उसकी बुद्धि स्टेबल होती है। दूसरी निशानी बताएं कि जो व्यक्ति कछुए की तरह अपनी कर्मेंद्रिय को समेट लेता है, उन्हें इंद्रिय विषय रसनाओं से हटाना जानता है, वही स्थित प्रज्ञ है। अर्थात समेटने की शक्ति और अंतर्मुक्ता की धारणा ही आत्म अनुभूति कराती है।
जब आत्म अनुभूति व्यक्ति करता है तो उसके लिए अपने आप को अंतर्मुखी सदा सुखी बनाना पड़ता है, कछुए की तरह। आप शिव के मंदिर में जाएंगे ना तो बाहर नंदीगण है, लेकिन जब अंदर जाने के पहले डोर स्टेप पर एक कछुआ होता है और उसको भी प्रणाम करके अंदर जाते हैं। शिव के मंदिर में ये प्राप्त होता है। भावार्थ ये है कि कछुए जैसा जीवन बनाओ। कछुआ जब अपनी इंद्रियों को विस्तार में लाना है, कर्म करना है तो विस्तार में लाता है, जब कर्म पूरा हो जाता है तो अपने आप को संकीर्ण लेता है, सेफ पोजीशन में आ जाता है ना? तो ये जीवन बनाने की प्रेरणा है। लेकिन आज की दुनिया में फेंगशुई के हिसाब से भी लोग कहते हैं कछुआ एक दूसरे को भेंट करो, कछुआ देने से गुड लक आएगा। ऐसे हजारों कछुआ आज बिजनेस बन गया, कई लोग कछुए की अंगूठी बना करके पहनने लगे, गिफ्ट करने लगे कछुआ एक दूसरे को, गुड लक आएगा गुड लक आएगा। ऐसे गुड लक नहीं आता है। गुड लक तभी आता है जब कछुए जैसा हम जीवन बना। कर्म करना है तो इंद्रियों को विस्तार में लाओ, कर्म पूरा हो तो इंद्रियों को संकीर्ण ले लो, अंदर समेट लो। अंतर्मुखी जब बन जाते हैं तो आत्मसंतुष्टि का अनुभव, आत्म अनुभूति करने लगता है, वो गुड लक ले आता है। इसलिए कहावत है अंतर्मुखी सदा सुखी, बाह्य मुखी सदा दुखी, है ना? बाह्य मुखी सदा दुखी, बोल देता है और फिर अफसोस करता है, नहीं बोलता था तो अच्छा होता था। तीसरी क्वालिटी भगवान बताते हैं स्थित प्रज्ञता की, कि जिस प्रकार से तेज हवा पानी पर तैर रही किश्ती को बहाकर ले जाती है, उसी प्रकार कर्मेंद्रिय के वशीभूत मन उसके विवेक को हर लेती है। और जिस व्यक्ति का अपनी इंद्रियों पर अधिकार होता है वह स्थित प्रज्ञ कहलाता है। अपनी कर्मेंद्रिय पर राज्य करने वाला ही अविनाशी ईश्वरीय ज्ञान को जीवन में धारण कर सकता है, और एक बार धारण किया हुआ ज्ञान फिर शाश्वत रूप में अंदर में समा जाता है, है ना? यानी जीवन एक ऐसा, कभी कभी तूफान के बीच में भी हमें ले आता है, लेकिन उस समय जो व्यक्ति कर्मेंद्रिय के अधीन होकर के बहने लगता है उस दिशा में, तो बह गया तो गया। इसीलिए भगवान कहते जिसका कर्मेंद्रिय के ऊपर राज्य होता है, इंद्रिय जीत जो बनता है, जैसे जैन धर्म में कहा जय जिनेन्द्रिय, जितेंद्रिय होने की प्रेरणा इसलिए उन्होंने दी गीता से। गीता में आज से 5000 साल पूर्व महर्षि वेद व्यास जी ने ये बात कही कि हे अर्जुन, तुम अपनी कर्मेंद्रिय पर जीत प्राप्त करो, तब तुम अपने माइंड को स्टेबल रख सकेगा, अपने बुद्धि को विचलित होने से रोक सकेगा। तब अर्जुन का एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमारे मन के अंदर भी उत्पन्न होता है कि मनुष्य की बुद्धि विचलित कैसे हो जाती है, योग परायण बुद्धि माना कॉन्सेंट्रेटेड क्यों नहीं होती है, विचलित क्यों हो जाती है? तो भगवान इतनी सुंदर बात कहता है, विषयों का चिंतन करने वाला पुरुष विषयों में आसक्त हो जाता है। विषय यानी विकृत विषय। विषयों का चिंतन करने वाला पुरुष विषयों में आसक्त हो जाता है, अट्रैक्ट हो जाता है। आसक्ति से कामना उत्पन्न होती है, यानी अनेक प्रकार के चाहिए चाहिए की चाहनाएं उत्पन्न होती है, और कामना पूरी नहीं हुई तो क्रोध की उत्पत्ति होती है, और क्रोध से अविवेक उत्पन्न होता है, अविवेक से स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है, और स्मृति भ्रमित होने से योग परायण बुद्धि नष्ट हो जाती है। यह सारा मार्ग बताया, दिस इज द पाथवे। विषयों का चिंतन करने वाला विषयों में आसक्त, आसक्ति से कामना, कामना से क्रोध, क्रोध से अविवेक, अविवेक से स्मृति शक्ति भ्रमित हो गई, और स्मृति शक्ति भ्रमित हो गई तो बुद्धि विचलित हो गई। योग परायण बुद्धि यानी फोकस्ड इंटेलेक्ट नहीं रहते हैं,
योग परायण बुद्धि नष्ट हो जाती, योग माना फोकस कॉन्सेंट्रेशन, वो कॉन्सेंट्रेशन समाप्त हो जाती और बुद्धि भटकना शुरू हो जाती। इसलिए भगवान अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन निष्काम कर्म योग को ही बुद्धि योग कहा जाए, कि तब तुम अपने बुद्धि को फोकस्ड रख सकेगा। और इस अध्याय के अंत में फिर भगवान कहते, योग साधना रहित पुरुष के अंतकरण में निष्काम कर्म युक्त बुद्धि नहीं, उसके अंतकरण में भाव नहीं, और भाव रहित पुरुष को शांति नहीं, अशांत पुरुष को शाश्वत सनातन की प्राप्ति नहीं, सुख नहीं मिलता है। अतः योगी बनने की प्रेरणा भगवान देते हैं और कहते हैं, योग माना क्या, योग मीन्स स्वयं को सुसंस्कृत करने का विज्ञान, इट इज अ साइंस ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन, योगा इज अ साइंस ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। योग खाली एक्सरसाइज को नहीं कहा जाता है, आसन को नहीं कहा जाता है, योग माना अपनी इंद्रियों को सुसंस्कृत करने का, सेल्फ डिसिप्लिन में लाने का, उसको योग कहा जाता है, इट इज अ साइंस। परेशान मन वाला व्यक्ति कभी खुश नहीं रह सकता है, और अपनी आत्म उन्नति के प्रति उदासीन रहने वाला व्यक्ति वास्तव में अपने ही विनाश के मार्ग पर आगे बढ़ता है। इसलिए हे अर्जुन, तू योगी बन, कर्म योगी बन। अब कहाँ कहा है कि तुम घर बार छोड़ो, कर्तव्य छोड़ो, सन्यासी बन जाओ, ये कहाँ कहीं? कर्म योगी कैसे बनना है, ये बात दूसरे अध्याय में स्पष्ट की। आत्मज्ञान को देते हुए, स्वधर्म का परिचय कराते हुए कर्म योगी बनना, और उससे ही व्यक्ति अपने जीवन के अंदर स्थिरता ला सकता है। ये गीता हमें इंस्पायर करती है। तो ये था दूसरा अध्याय। शाम को अभी हम देखेंगे तीसरा अध्याय, जिसमें और अधिक कर्म योग को स्पष्ट किया गया है। दूसरा पहलू कर्म योग का हम देखेंगे। ये पहला पहलू स्वधर्म के आधार पर देखा, दूसरा पहलू शाम को देखेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है, और जीवन जीने की कला स्पष्ट करती है कि जीवन कैसे जीना चाहिए। दो मिनट के लिए मन को स्वधर्म में स्थित करके देखेंगे। जैसे कहा कि मन स्वधर्म में स्थित हो जाए, तो आज जब पता चला स्वधर्म किसको कहा जाता, तो आत्मा के गुण धर्म में हम मन को एकाग्र करेंगे। जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, जैसा चिंतन वैसा जीवन। तो चिंतन से उस ऊर्जा को अपने अंदर विकसित करना है। एज यू थिंक सो यू बिकम। तो थोड़ी देर के लिए अपने मन को बाह्य सभी बातों से समेट लेते हैं, स्वयं को आत्मभाव में स्थित करते हैं, अंतर चक्षु से स्वयं को देखो, प्रकृति के मध्य में एक चमकते हुए दिव्य सितारे के रूप में। यह शरीर कर्म करने का क्षेत्र है, मैं आत्मा क्षेत्रज्ञ हूं। धीरे धीरे मैं आत्मा जीवन के संघर्ष में विजयी होने के लिए स्वधर्म में स्थित होती हूं। मेरा गुण धर्म शुद्ध पवित्र है। मैं स्वयं को
उस पवित्र स्वरूप में देख रही हो। निर्मल निश्चल स्वरूप, निर्दोष स्वरूप, ये मेरी वास्तविकता है। मैं आत्मा अपने असली स्वरूप में शांत स्वरूप, मेरा स्वधर्म शांति है। शांति की तरंग महसूस कर रही हूं। मेरे मन की गति शांत होती जा रही है। शांति का पुंज इसी शांति में सच्चा सुख समाया हुआ है। इसी शांति में प्रसन्नता है, परम आनंद है। मैं आत्मा सत चित आनंद स्वरूप, मेरा सत्य स्वरूप परम आनंद स्वरूप है। मेरी चैतन्यता की अभिव्यक्ति आनंद से है। कितना दिव्य स्वरूप है। मेरे चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का प्रभा मंडल देख रही हूं। सात्विक प्रकृति को विकसित करती हूं और यह सतो गुण के आधार पर हर कर्म करना है, हर व्यवहार में आना है। हर संबंध को निभाना है। कितना सुंदर अनुभव है। ये गुणों की ऊर्जा का तेज विकसित कर रही हूं। यही शक्ति जीवन के हर संघर्ष में विजय का अनुभव कराएगी और अमृत तत्व को प्राप्त करने की शक्ति देंगे। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति।